भगवते वासुदेवाय ओम ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओ नमो भगवते वासुदेवा जय जय श्री राधामण जय जय नवल किशो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन खन चो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभु प्रभुपाद की उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्त वृंद इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस यात्रा में भाग लेने वाले बड़ी भारी मात्रा के हमारे यात्रीगण आप सभी भक्तों का इस ब्रज चौरासी कोष यात्रा में इस यात्रा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम राधे श्याम सो so, परम सौभाग्य है कि हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के पांच महासाधन बताए हैं उन भक्ति के पांच महासाधनों में से एक है मथुरा मंडल वास अर्थात तीर्थों में वास यात्रा में भ्रमण करना ये भक्ति का महासाधन माना गया है और साथ ही साथ ये जो समय चल रहा है बड़ा पवित्र समय है कार्तिक मास ऐसा कहते हैं भगवान को यदि पूछा जाए पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान को पूछा जाए प्रभु आ, अश्विन से लेकर कार्तिक से लेकर अश्विन तक अनेकों महीने हैं सभी महीनों में आपको प्रिय महीना कौन सा है तब भगवान कहते हैं मुझे बारह महीने में सबसे अधिक प्रिय मेरा कार्तिक मास है और इसलिए कार्तिक मास को कृष्ण वल्लभ कहते हैं ये कार्तिक क्या है कृष्ण वल्लभ वल्लभ माने प्रिय कृष्ण माने भगवान कृष्ण को परम प्रिय है ये कार्तिक मास और शायद इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी ज्यादातर अनेकों प्रकार की लीला अपनी मनपसंद लीला भगवान कृष्ण ने कार्तिक महीने में संपन्न की है सो so, पवित्र कार्तिक मास में हम सब धाम का आश्रय लिए हैं ब्रजमंडल चौरासी कोष की परिक्रमा हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में हमारे आचार्यों के अनुगत्य में शिल प्रभुपाद के अनुगत्य में हमारे अध्यात्मिक गुरुजनों के अनुगत्य में विनम्र भाव से ब्रजमंडल चौरासी कोष की यात्रा हम सब एक प्रयास कर रहे हैं सो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए भक्तों की बड़ी इच्छा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन मिलें ज़्यादा से ज़्यादा हमें यात्रा में भ्रमण करने मिलें सो हमारा पड़ाव जो है कालिया दह पर है ब्रज चौरासी कोष में जितने भी भगवान की लीला स्थली है ब्रज चौरासी कोष में भगवान के जितने भी पवित्र स्थान है हमारे वेदों में शास्त्रों में कुछ स्कंध में कुछ पद्म में कुछ विष्णु पुराण कुछ वेदों में इन सब क्षेत्रों के प्रणाम मंत्र है इसलिए जब भी हम ब्रज में किसी मंदिर का किसी कुंड का किसी सरोवर का या ब्रज के किसी भी क्षेत्र का दर्शन करते हैं तो उनको प्रणाम करना कल मैंने आपको कहा था कि प्रणाम करो प्रणाम किया लेकिन क्या बोलेंगे प्रणाम करके हैं तो हमें स्पेशल हम जिनको प्रणाम करते हैं उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए फिलहाल हम सब अभी वर्तमान में वृंदावन में है ठीक है सो so, वृंदावन को हमें प्रणाम करना चाहिए वृंदावन का प्रणाम मंत्र क्या है वृंदावन को कैसे प्रणाम करें अभी इस प्रणाम मंत्र के ऊपर ही एक पूरा प्रवचन हो सकता है लेकिन मैं ज्यादा विस्तार न करूं आप लोग नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसे फिर आगे चलकर इसका उच्चारण कर सके सो so, पद्म पुराण में वृंदावन के का प्रणाम मंत्र इस प्रकार से बताया गया है सो so, वृंदावन को प्रणाम करते हुए कहा गया वृंदा विपी नरम भगवत वास हे तवे परम रूपाय परम रूपाय वैष्णवाय नमो नमः वैष्णवाय नमो नमा श्री मुनि पद्म पुराण में लिखते हैं वृंदा विपिन रम्याय ये वृंदावन का प्रणाम मंत्र जैसे हे कृष्ण करुणा सिंधु से हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं नम विष्णु पादय से प्रभु पाद को प्रणाम करते हैं हम जैसे ही मथुरा रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही मथुरा की दिशा को देखकर हमें दंडवट करना चाहिए और दंडवट करते हुए यह मंत्र यह श्लोक का उच्चारण करना चाहिए वृंदा विपिन रम्याय यह जो वृंदावन है रमणीय स्थान है इसलिए वृंदावन को अरण्य कहा गया बहुत सारी बातें हैं वक़्तों मैं तो इसी कंफ्यूजन में हूं कुछ दिनों से क्या बताऊं क्या ना बताऊं अब वृंदावन के ऊपर चर्चा करें तो वृंदावन को क्या कहा गया दिव्य वृंदा अरण्य वृंदावन कैसा है अरण्य अब अरण्य का अर्थ क्या अरण्य माने वन ठीक है लेकिन यह अरण्य शब्द कहां से बना रणीय आर, रणीय माने रण रणीय रणीय माने रण रण माने रणभूमि रणभूमि जहां पर एक दूसरे को मारा जाता है काटा जाता है रणभूमि जहां पर लोगों का विनाश होता है और अरण्य माने जहां लोगों के पाप का विनाश होता है और लोगों के पापों का विनाश होकर जहां लोग मुक्ति पा जाते हैं उसे अरण्य कहते हैं सो वृंदा दिव्य वृंदा अरण्य वृंदावन जो है अरण्य है तो ऐसे वृंदावन के विषय में कहते हैं कि वृंदा विन, विपिन रम्याय वृंदावन जो है विपिन बहुत सुंदर सुख देने वाला परम आहलाद देने वाला यह रमणीय वन है सो वृंदा विपिन रम्याय अच्छा वृंदावन की का प्राकट्य क्यों हुआ तो इस श्लोक में वृंदावन के प्राकट्य का कारण कहते हैं भगवत वास हेतवे ये वृंदावन क्यों है भगवत वास हेतवे भगवान को रहने के लिए ये वृंदावन स्थान है सो वृंदा विपिन रम्याय भगवत वास हेतवे परम आह्लाद रूपाय वृंदावन कैसा है परम आह्लाद आह्लाद माने आनंद आनंद का धोध बरसाने वाला बिल्कुल आनंद की वर्षा करने वाला और परम आहलाद रूपाय वैष्णवाय नमो नमः अब देखिए यहां पर इस श्लोक में समझने वाली बात यह है कि पद्म पुराण में श्री वेदव्यास मुनि ने वृंदावन को वैष्णव कहा यह वैष्णव शब्द वृंदावन के लिए है अब दूसरी लाइन में देखिए ये वृंदावन जो है परम वैष्णव है वैष्णव माने विष्णु का कृष्ण का तो वृंदावन वैष्णव है भगवान का अपना सेवक है और स्पेशल वृंदावन भगवान को रहने के लिए और भगवान को परम आनंद आह्लाद देने के लिए प्रकट हुआ है ऐसे परम वैष्णव वृंदावन धाम को नमो नमः देखिए एक श्लोक में दो बार नमः नमः आए तो इसका अर्थ है बारंबार नमस्कार करते हैं सो so, नमो नमः माने हम बारंबार नमस्कार करते हैं किसे वृंदावन को कैसे कैसा है वृंदावन मुक्ति देने वाला दूसरा भगवत वास हेतु भगवान को का घर भगवान को रहने के लिए और तीसरा परम आह्लाद रूपाय परम आनंद देने वाला और चौथा जो, जो साक्षात वैष्णव है वृंदावन की भूमि जड़ नहीं है यह वृंदावन स्वयं वैष्णव कहा गया वैष्णव क्षेत्र कहा गया स्वयं भगवान का सेवक है वृंदावन वृंदावन के प्रत्येक कोने प्रत्येक लता पता प्रत्येक बालू पत्थर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और इसलिए ब्रज वृंदावन को वैष्णव कहते हैं तो ऐसे वैष्णवाय नमो नमः और भक्त ये तो ऊपर का ये श्लोक हो गया अब उस श्लोक की महिमा दूसरे श्लोक में बताई वो कहते हैं इति मंत्र ये जो मंत्र है वृंदावन का प्रणाम मंत्र इति एकादश भी ये मंत्र ग्यारह बार बोलना चाहिए जब हम वृंदावन में जाते हैं वृंदावन की परिक्रमा शुरू करते हैं तो एकादशी भी मंत्र ये ग्यारह बार इस मंत्र का उच्चारण करें और अम अम उच्च प्रणति चरेत इस मंत्र का जोर से उच्चारण करें और प्रणति वृंदावन को प्रणाम करें और फिर चरेत फिर विचरण करें वैष्णव पदम आपनोति यदि ऐसा करेंगे तो पुनर्जन्म न विद्यते तो हमारा दूसरा जन्म कभी भी नहीं होगा अर्थात सदा सदा के लिए भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं तो इस प्रकार वृंदा विपिन भगवत वास हेतवे परम अहलाद रूपा वैष्णवाय नमो नमः ग्यारह बार बोल दीजिएगा ये वृंदावन परिक्रमा समाप्त तो हो उसके पहले ये मंत्र का उच्चारण ग्यारह बार कर लेना चाहिए सो तो इस प्रकार कल हमने वृंदावन प्रणाम करके कृष्ण बलराम मंदिर से थोड़े से बाहर निकल कर चौराहे से वृंदावन परिक्रमा प्रारंभ की प्रारंभ करते ही भगवान श्री कृष्ण का वह भाव जो भागवत में दिया गया है उसे हमने प्रस्तुत किया थोड़े से आगे बढ़े तो कृष्ण बलराम वृक्ष का हमने दर्शन किया और थोड़े से आगे बढ़े तो वराह घाट भगवान वराह का हम सब ने दर्शन किया और तत्पश्चात और थोड़े से आगे बढ़े तो इस्कॉन गौशाला की बैक साइड का हमने दर्शन किया और अब थोड़े से आगे बढ़े तो अब हम कालिया दह पर हम लोग रुके हुए हैं वैसे कल हमने कालिया दमन की कथा सुनी और भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस कालिया रद पर इस कालिया दह पर यदि कोई व्यक्ति इस कालीय रद पर यदि कोई व्यक्ति वास करेगा तो यहाँ पर कोई व्यक्ति स्नान करेगा और स्नान करके जल अर्पण करेगा वह मेरे धाम को प्राप्त हो पाएगा तो इस प्रकार दह पर हमारा पड़ाव है दह के विषय में अब कालीयृद का भी प्रणाम मंत्र है अब अब हम लोग कालीय दह में ना तो दह का प्रणाम मंत्र भी आप देख लीजिए यह है कालीयरथ का प्रणाम मंत्र काली स्तुति प्रमोदाय ताण्डव नृत्य रूपिणे नागपत्नी स्तुति प्रीत गोपालाय नमो नमः गोपालाय नमो नम कहते हैं कि काली स्तुति से आनंद प्राप्त हे कृष्ण हे त्रांडव नृत्य करने वाले हे नागपत्नी स्तुति से प्रीति प्राप्त करने वाले गोपाल हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं तो काली स्तुति प्रमोदाय आय नाग की स्तुति से जिसको मोद नहीं प्रमोद आनंद प्राप्त हुआ काली नाग ने भगवान को स्तुति की तो उससे कृष्ण को आनंद मिला तो काली, काली नाग की स्तुति से जिनको आनंद मिला एक दूसरा तांडव नृत्य रूपिणे और जिसने त्रांडव की तरह काली नाग के मस्तक पर नृत्य किया और इतना ही नहीं नागपत्नी स्तुति प्रीत और बड़े प्रेम से कालिय नाग की पत्नियों ने भी स्तुति की बहुत सुंदर भागवत में यह स्तुति है कालिय नाग की पत्नी कहती है प्रभु स्तुति का एक श्लोक मैं आपको कहता हूं आ, कालिय नाग की पत्नी कहती है प्रभु प्रभु हमने आज तक सुना था हे कृष्ण करुणा सिंधु आज तक हमने केवल सुना था कि ये कृष्ण करुणा के सागर हैं, कृष्ण करुणा के समुद्र हैं, लेकिन आज हमने हमारी आंखों से देख लिया कि वास्तव में आप करुणा के सागर हो क्योंकि प्रभु ये हमारे पति कालिया ने कभी कोई धर्म कर्म सत्कर्म भजन भक्ति कुछ नहीं किया ये हमारा पति पूर्व जन्म में भी कोई अच्छा काम नहीं किया होगा पूर्व जन्म में यदि अच्छा काम किया होता तो यह नाग थोड़ी ना बनता हूं आपके धाम में ना रहता तो सीधी बात है पूर्व जन्म में अच्छा काम नहीं किया और इस जन्म में जब से हमारी इससे शादी हुई है कालिया नाग की पत्नी कहती है जब से हम शादी करके इसके घर पर आई है हम तो दिन भर जीवन में देखती आई हैं कि इसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया तो हमारे पति ने न कोई अच्छा कार्य सुना न किया लेकिन फिर भी आप अपने दिव्य चरण कमल हमारे पति के मस्तक के ऊपर रख दिए बड़े बड़े योगी बड़े बड़े ध्यानी बड़े बड़े ज्ञानियों के ध्यान में आपके चरण नहीं आते वे दिव्य चरण आपने हमारे पति के मस्तक पर रख दिए प्रभु आपने हमें धन्य कर दिया वास्तव में आप करुणा के सागर हो से इस प्रकार कालिय नाग की पत्नी ने स्तुति की और भक्तों रहस्य की बात यह है कि भगवान कृष्ण तो कालियों को मार ही देते वो छोड़ने वाले नहीं थे लेकिन कालिया नाग की पत्नियों ने जो स्तुति की और उस स्तुति से भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए कहा मांगो क्या चाहिए तब कालिय नाग की पत्नी ने कहा कि हमारा एक ही पति है और ये मर जाएगा तो हम विधवा हो जाएगी प्रभु आप हमारे पति देव को छोड़ दीजिए सो इस प्रकार से कालिय नाग की पत्नी इसलिए नाग पत्नी स्तुति प्रीत कालिय नाग की पत्नी की स्तुति से प्रीत भगवान प्रसन्न हो गए और गोपाल आय ऐसे गोपाल क्योंकि गोपाल शब्द यहां पर रखना महत्वपूर्ण है कृष्ण कालिय का दमन किए उस कालीय रद में गिरे और कालिय नाग को नाते क्यों गोपाल गाय का पालन करने के लिए गाय का हित करने के लिए गोप और गोपी का हित करने के लिए कृष्ण ने यह कालिया नाग का दमन किया तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमो नमः हम बारंबार प्रणाम करते हैं और फिर इस मंत्र का श्रुति फल बताते हुए नीचे कहते हैं भक्तो ये बड़े सीक्रेट श्लोक हैं आप श्लोक के कितनी गहराई से इन श्लोकों को खोजा है है? मैं मैं इतना तो कह सकता हूं कि इनमें 99% परसेंट लोग ये पहली बार देख रहे होंगे so, इति मंत्रम मज्जना चमनेर नमन परमो पदम लब्धवा सर्वदा सुख पद्म पुराण में लिखा है कि इस मंत्र का तीन बार पाठ करके इस काली रद में कोई स्नान करता है तो परमो पदम लब्धवा तो वह व्यक्ति परम पद को लब्धवा प्राप्त कर लेता है और इतना ही नहीं सर्वदा सुखम आसते, वो सदा सदा के लिए सुख को प्राप्त कर लेता है क्या बात है तो इस मंत्र का तीन बार उच्चारण करके हमें मज्जन स्नान मज्जन आचमने अब स्नान करना चाहिए स्नान ना कर सको तो कोई बात नहीं लिखा है मज्जन आचमने हमारे ऋषि मुनि बहुत प्रैक्टिकल थे हैं। हमारे ऋषि मुनि बड़े प्रैक्टिकल हुआ करते थे वो बेचारे लिखे कि भाई ठंड की मौसम में यदि स्नान नहीं कर सकते कोई बात नहीं मज्जन करो नहीं तो आचमने आचमन करो और आचमन भी ना कर सको कोई बात नहीं लिखा है नमन है ना तीसरी लाइन में देखो इति मंत्रम त्रिरावृत्तियाँ मज्जन आचमने नमन स्नान करो आचमन करो या नमन करो लेकिन तीन बार इस मंत्र का उच्चारण करो तो परम पदम लब्धवा सर्वदा सुखम आसते परम पद को प्राप्त करके सर्वदा सदा के लिए हम सुख को प्राप्त हो सकते हैं सो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने काली का दमन किया और कालीय दमन पर हम लोग ठहरे हैं आइए अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं हमारी यात्रा को आगे लेकर जाते हैं धीरे धीरे सब लोग सभी भक्त खड़े हुए हैं और कीर्तन करते हुए भाव से प्रेम से पार करेंगे नै भज कृष्ण क नैया कृष्ण क नैया दाऊजी के भैया દાઉજી કે ભૈયા કૃષ્ણ રે ભજ કૃષ્ણ કનૈયા કાલિય નાગ નથવૈયા રે આપણું છે ભાઈ આ આપણું અત્યારે તાત્કાલિક તાજે તાજું કાલિય નાગ न थैया रे भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया नैया दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया नैया दाऊ जी के भैया पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया तो इस प्रकार से चलते 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 ब्रजमंडल की परिक्रमा करते करते अब हम लोग पहुंचे हैं द्वादश आदित्य टीला कहा पहुंचे हैं बोलिए है। मेरे पीछे द्वादश आदित्य टीला के पास हम लोग पहुंचे हैं अब मुझे तो आपको सब दिखाना ना ये मैप में आप देख लीजिए द्वादश आदित्य टीला कहाँ पर है ये देखो कालिया का दह हमने पार कर दिया ये कालिया दह है और काली अद्ध में हम लोग चलते 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 पहुँचे हैं ये जो मदन मोहन मंदिर लिखा है यहीं पर है द्वादश आदित्य टीला ठीक है सो एक और यमुना नदी है और एक और ब्रज वृंदावन है और हम लोग यमुना के तट पर परिक्रमा कर रहे हैं और काली रद के बाद द्वादश आदित्य टीला का स्थान है द्वादश आदित्य टीला की बहुत सुंदर कथा है इस टीला के पास क्या हुआ इसमें दो चीज है एक भागवत में भी इन सारे प्रसंगों को कहा गया भक्ति रत्नाकर में भी बहुत सुंदर इन प्रसंगों को कहा गया अनेकों ग्रंथों में वर्णन है तो इसके दो इतिहास मिलते हैं एक इतिहास कि भगवान श्री कृष्ण ने काली का दमन किया ठीक है कृष्ण सुबह से घर से निकले थे और कृष्ण कूद गए थे यमुना में और यमुना में कालिया के साथ युद्ध करना मुठभेड़ होना फिर नृत्य करना ये करते करते दोपहर हो गई बिल्कुल दोपहर चढ़ गई लगभग ये ऑपरेशन जो है ना कालिया का। कालिया 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 ये ऑपरेशन जो था ये पांच घंटे तक चला और हमारे भगवान कृष्ण इस ठंडी की मौसम में पाँच घंटे तक पानी में पड़े रहे और इसलिए जब कृष्ण उस कालिय का दमन करके बाहर आए तो कृष्ण को ठंड लगने लगी भगवान श्री कृष्ण लगभग पांच सात वर्ष के थे वो ठंड के मारे कांपने लगे तो एक प्रसंग ऐसा है कि काली दमन करने से वे पांच पांच घंटे तक पानी में रहे इसलिए कृष्ण को ठंड लगी और ठंड के मारे कृष्ण कांपने लगे तो कहीं ऐसी कथा है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोपियों के साथ गायों के साथ विचरण करते थे और विचरण करते करते यमुना के तट पर चल रहे थे यमुना की ठंड कृष्ण को लगी तो कृष्ण कांपने लगे सो कुल मिलाकर सार ये है कि भगवान कृष्ण को ठंड लगी और ठंडी के मारे कृष्ण कांपने लगे सिद्धांत भी समझ लीजिए हमारे भगवान कोई जड़ कोई पत्थर नहीं है हमारे भगवान कृष्ण पूर्ण पूर्ण संवेदनशील व्यक्ति है हमारे कृष्ण पूर्ण संवेदनशील व्यक्ति है कृष्ण बड़े सेंसेटिव है इसलिए अपने अपने घर पर लड्डू गोपाल ठाकुर जी की जो सेवा आपने पधराई है उनकी बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए कहीं ठंड न लग जाए कहीं गर्मी न लग जाए इस प्रसंग को रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है एक श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो कहा मैं आपके बीच में आस्वादन हम लोग करते चले रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि सूर्य द्वादशी भी परम मुर रिपु शीत आर्त उग्र तपे मुरारी मूर नाम के असुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है परम भगवान है लेकिन फिर भी शीत आर्त लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण शीत ठंडी के कारण आर्त दुखी हो गए ठंडी के कारण कृष्ण को कष्ट होने लगा अब जब अब, अब कृष्ण को जब ठंड लगने लगी तो उन, उनके सखा कुछ कंबल लेकर आए प्रयास तो किया कि भाई ठंड इनको कम हो जाए लेकिन ठंड कम नहीं हो रही थी तो जब ठंड कम नहीं हो रही थी तो दूसरी लाइन में देखिए कि मूर नाम के असुर को मारने वाले कृष्ण की यह हालत है तो दूसरी लाइन में तब क्या हुआ जब बाहरी प्रयास से भगवान वो छोटे से लाला को कन्हैया को ठंड कम नहीं हुई तो क्या हुआ भक्ति प्रेम भरे उदार चरित्र श्रीमन मुदा सेवित तो उस समय भक्ति से प्रेम से और अपनी उदारता से परिपूर्ण ऐसे भगवान भास्कर ऐसे सूर्य देवता आकाश में प्रकट हुए और सूर्य देवता ने सोचा कि दास के रहते हुए स्वामी को ठंड लगे हैं यह मैं आकाश में खड़ा हूं किसके लिए तो सूर्य देवता सोचे कि दास के रहते स्वामी को मेरे भगवान मेरे ईश्वर को भगवान कृष्ण सूर्य के गुरु भी हैं और ईश्वर भी हैं इम विवस्वते योगं प्रोक्तावान है? तो आज सूर्य को अपने गुरु की सेवा करने का अवसर मिला अपने इष्ट आराध्य भगवान की सेवा का अवसर मिला तो कहते हैं भक्ति प्रेम भरे रुदार चरित श्रीमान मुदा सेवित सूर्य देवता प्रकट हुए और प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण को गर्मी प्रदान करने लगे और वह गर्मी कैसे देने लगे प्रथम शब्द में देखिए सूर्य द्वादशी भी सूर्य एक नहीं बारह सूर्य प्रकट हो गए बारह आदित्य वहां पर प्रकट हो गए और बारह आदित्यों ने वहां पर ताप दिया और उस ताप से कुछ ही सेकेंड में वो छोटे से कन्हैया भगवान श्री कृष्ण को जो शीत लग रही थी जो ठंड लग रही थी वो सारी ठंड दूर हो गई इसलिए आ, वहां के स्त्री पुरुष कणत पशु को के लिए वस्टि तो राजते सब लोग आनंदित हुए सब लोग खुश हुए ऐसे स्नेह इस प्रकार से स्नेह दिया द्वादश सूर्य इस प्रकार एक सूर्य बारह सूर्य में प्रकट होकर भगवान कृष्ण के प्रति अपना स्नेह प्रकट किए अतः तस्मात इसलिए नाम तदितम तीर्थ सदा संश्रय इसलिए वो, वो स्थान जो है सदा के लिए तीर्थ स्थान हो गया और उस स्थान का नाम हो गया द्वादश आदित्य टीला ये जो लीला हुई ये यहीं पर यमुना के तट पर हमारे से वृंदावन परिक्रमा में ही यह लीला सम्पन्न हुई थी और इसलिए इसका नाम हुआ द्वादश आदित्य टीला अब क्या हुआ अब एक साथ बारह सूर्य प्रकट हुए और धमा धमी ताप देने लगे तो कृष्ण को जो ठंड लग रही थी अब ठंड तो खत्म हो गई लेकिन अब कृष्ण को गर्मी होने लगी कृष्ण को गर्मी होने लगी संवेदनशील हैं सेंसिटिव है और कृष्ण को गर्मी लगने से कृष्ण के शरीर से पसीने निकलने लगा कृष्ण के शरीर से पसीना निकला और उस पसीने का एक सरोवर बन गया उस सरोवर का नाम है प्रस्कंदन सरोवर रघुनाथ दास गोस्वामी अपने ग्रंथ में लिखते हैं यह आपको सब जगह पर नहीं मिलेगा मैं श्लोक के साथ प्रमाण के साथ ये आपको बता रहा हूं तो प्रस्कंदन सरोवर जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रस्कंदन भगवान श्री कृष्ण के शरीर के पसीने से इस सरोवर का निर्माण हुआ कहां पर द्वादिश द्वादश आदित्य टीला के पास से इस प्रकार द्वादश आदित्य टीला की यह महिमा है यह वर्णन है द्वादश आदित्य टीला टीला का अर्थ जानते टीला माने पहाड़ है पहाड़ थोड़ा बड़ा होता है टीला टीला थोड़ी सी छोटी होती है टीला माने पर्वत जैसा ऊंचा स्थान थोड़ा सा हाइट पर चलकर जाना है तो ये द्वादश आदित्य टीला एक पहाड़ी है एक पत्थर है ये लाल पत्थर से बना हुआ स्थान है और इस द्वादश आदित्य टीला के ऊपर हमारे गोस्वामियों के द्वारा प्रस्थापित एक बहुत सुंदर विग्रह है और उस विग्रह का नाम है मदन मोहन श्री मदन मोहन भगवान की अभी देखो मैं बैठा हूं कहाँ पर जानते हो अभी अभी हम लोग बैठे हैं यमुना के तट पर यमुना के उस पार और यहाँ जरोखे में हम बैठे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते एक मंदिर है ये वही मंदिर द्वादश आदित्य टीला के ऊपर यह मंदिर यह है मदन मोहन मंदिर हमारे इतिहास कुछ ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण साढ़े एक सौ वर्ष तक इस धरती पर लीला किए और अपने दाम में चले गए कृष्ण के जाने के बाद शांडिल्य ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और उनके पुत्र प्रपोत्र जिनका नाम था वज्रनाभ ये बड़े गुरु के आज्ञाकारी थे बड़े नम्र थे बहुत साधु भक्त स्वभाव के थे तो एक दिन शांडिल्य ऋषि ऋषि से उन्होंने आज्ञा मांगी शांडिल्य ऋषि ने भगवान कृष्ण के प्रपोत्र वज्रनाभ जी को कहा कि देखो तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर कृष्ण ने जहां जहां लीला की है उन लीला स्थलियों को प्रकट करो उन लीला स्थलियों को एक्टिव करो वहां यदि सरोवर है तो उनको बंधवाओ यदि कुंड है तो कुंड को ठीक से उत्थान करो और जहां जहां भगवान श्री कृष्ण लीला की है वहां मंदिर का निर्माण करो विग्रह का और वहां पर विग्रह की स्थापना करो ताकि चीरकाल तक आने वाला मनुष्य समाज इसका लाभ ले सके अब क्या हुआ अब शांडिल्य ऋषि की आज्ञा से वज्रनाप जी ब्रज में आए और ब्रज में आकर उन्होंने बहुत मेहनत की वज्रनाभ का बहुत बड़ा हाथ रहा इस ब्रज को बनाए रखने के लिए इनको प्रकट करने के लिए तो यूं तो वज्रनाथ जी ने ग्यारह विग्रह की स्थापना की लेकिन सर्वप्रथम वज्रनाथ जी ने तीन मूर्ति बनवाई अब प्रश्न ये हुआ जब मूर्ति बनाने वाला वज्रनाथ जी के पास आया तो कहा कि मैं कैसी मूर्ति बनाऊं उन्होंने कहा कि हमारे ग्रैंडफादर की भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाओ बोले आपके ग्रैंडफादर कैसे हमें थोड़ी पता है वज्रनाथ जी ने कहा मेरे ग्रैंडफादर को तो मैंने भी नहीं देखा है क्योंकि ये प्रपोत्र थे तीसरी पीढ़ी में थे तो इन्होंने अपनी आंखों से कृष्ण को नहीं देखा था अब कृष्ण की मूर्ति बनवानी है कृष्ण का विग्रह बनाना है क्या करें तब तो वज्राथ जी ने ढूंढा कि इस दुनिया में ऐसा कौन है जिन्होंने अपनी आंखों से भगवान कृष्ण को देखा है भक्तों उस समय उस धरती पर इस ब्रह्मांड में केवल एक पात्र था जिन्होंने कृष्ण को अपनी आंखों से देखा था और वो बयान कर सकता था कि कृष्ण कैसे हैं उनका रूप कैसा है और वह पात्र और कोई नहीं परीक्षित महाराज की मां देवी उतरा देवी उत्तरा अभी संसार में जीवित थी और उतरा एक ऐसा माध्यम था जिसे कृष्ण के बारे में कृष्ण की मूर्ति उनका विग्रह बनाने के लिए सारा ज्ञान ले सके तुरंत वज्रनाभ जी तो बिल्कुल लग पड़े थे माता उत्तरा को बुलवाए और चरणों में प्रार्थना किए निवेदन किए कि हमें भगवान कृष्ण का विग्रह और उत्तरा भी आप जानती हैं भगवान की भक्ता थी तो देवी उत्तरा ने मूर्ति बनाने वाले को सारी बात बताई कृष्ण का चेहरा ऐसा है मुरली है ये है वो है सब कुछ बताया जैसे आजकल स्क्रेच बनाते हैं ना वैसे विग्रह बनाने के लिए देवी उत्तरा ने बात बताई और विग्रह बनाने वाला अपनी पूरी मेहनत किया भगवान के विग्रह को बनाने के लिए उसने तीन विग्रह बनाए विग्रह बनाने वाले ने तीन विग्रह बनाए एक विग्रह था गोविंद देव दूसरा विग्रह था गोपीनाथ जी और तीसरा विग्रह था मदन गोपाल और तीनों विग्रह बनाकर वज्रनाथ जी के पास आए देवी उत्तरा को भी बुलाया गया और उस दिन तो बहुत बड़ा फेस्टिवल था कि भाई कृष्ण का विग्रह बना है और फिर परंपरा चलने वाली देवी उत्तरा ने जब इन तीनों विग्रहों को देखा तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होतरा ने कहा आपने मेहनत तो की है आपने विग्रह तो बना लिए हैं लेकिन ये विग्रह जो है ऐसे कुल टोटल कृष्ण जैसे नहीं लग रहे हैं आप मतलब कृष्ण में जो गुण है जो फीचर्स हैं भगवान कृष्ण में उतरा ने तो अपनी आंखों से देखा है ना कृष्ण को बोले मैंने कृष्ण को जो अपनी आंखों से देखा है वो सारे फीचर्स इन तीनों विग्रह में नहीं है अब क्या था इन तीनों विग्रह को यदि मिला लेवे तो सारे फीचर्स हो जाए लेकिन तीन विग्रह अलग थे ना, इसलिए कहा गया है कि इन तीनों विग्रह में हंड्रेड परसेंट कृष्ण का मुख जो है देवी उतरा ने जो कृष्ण का चेहरा देखा है वो कृष्ण का मुख हंड्रेड परसेंट भगवान गोविंद देव जैसा था तो गोविंद देव में कृष्ण के मुख की छवि उतर गई कृष्ण का मुख टोटल भगवान गोविंद देव में उतर गया मतलब हु बहु एज इट इज और इसीलिए तो हम गाते ना राधा गोविंद और फिर कंठ से कमर तक यहां चेहरा गोविंद देव गोविंद देव में उतरा कंठ से कमर तक का जो पाठ था वो गोपीनाथ जी में उतरा हम देखे ना गोपीनाथ जी बहुत टेढ़े हैं बहुत मुड़े हुए हैं उत्तरा ने कहा ये परफेक्ट ये गोपीनाथ जी का कंठ से कमर जो है ये हंड्रेड परसेंट इसमें उतरा है तो मेरा कहने का अर्थ है कि कृष्ण की जो पूर्ण छवि एक मूर्ति में नहीं उतरी वो तीन मूर्ति में स्प्लिट हो गई कृष्ण की जो छवि कृष्ण की पर्सनैलिटी तीन छवि में तो चेहरा गोविंद भगवान गोविंद देव जी में उतरा कंठ से कमर तक का पाठ जो था वो गोपीनाथ जी में उतरा और कमर से चरण तक का जो पाठ था वो मदन गोपाल भगवान के चरणों में उतरा तो इस प्रकार फिर भी वज्रनाथ जी प्रसन्न हुए भाई चलो कुछ तो फीचर्स हमारे इन मूर्तियों में आए और वे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने इन तीनों विग्रह को ब्रज में विभिन्न भागों में प्रस्थापित कर दिया यू तो वज्रनाथ जी ने सोलह मूर्तियां बनाकर ब्रज में प्रस्थापित किया था लेकिन उनमें से ये तीन मुख्य थे अब भक्ति रत्नाकर के अनुसार ऐसा वर्णन है कि इस द्वादश आदित्य टीला पर जो अभी हमने श्रवण किया कि सूर्य देवता प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के ताप को दूर किया उस समय अद्वैत आचार्य यहाँ पर आए और यहाँ पर अद्वैत आचार्य को वज्रनाभ जी के द्वारा बनाया हुआ मदन मोहन जी का ये विग्रह अद्वैत आचार्य को प्राप्त हुआ और उन दिनों सनातन गोस्वामी महावन में रहते थे गोकुल में रहते थे और गोकुल में सनातन गोस्वामी निरंतर भगवान के ध्यान में बैठे रहते हैं और भगवान की लीला का स्मरण करते हैं और महाप्रभु की आज्ञा ग्रंथ लिखना ये काम परिपूर्ण करते सनातन गोस्वामी को एक दिन उन्होंने देखा कि कृष्ण यमुना के, के तट पर खेल रहे हैं ये सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं और उस दिन सनातन गोस्वामी सो गए और स्वयं भगवान कृष्ण ने सनातन गोस्वामी को कहा सनातन ये कब तक तू मेरा ध्यान करेगा कुछ तो फिजिकल सेवा कर ले है। सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो भाई साहब भगवान को कहा देखो भाई साहब मुझे चैतन्य महाप्रभु ने भेजा है यहाँ पर कुछ और काम करने के लिए और आप कहते हो कि मैं ये फजियत करूं मैंने इसलिए तो शादी नहीं की बच्चे नहीं किए ताकि मैं मेरे गुरु की आज्ञा पालन कर सकूं लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा सनातन मुझे तुझसे बहुत प्रेम है तू मुझे कैसे भी रखेगा चलेगा लेकिन तुम मुझे मेरी सेवा मैं मैं तुम्हारे हाथ से मेरी सेवा लेना चाहता हूं तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है वे महावंश आ गए द्वादश आदित्य टीला पर अर्थात यहाँ वृंदावन में यमुना के तट पर उस टीले पर सनातन गोस्वामी आ गए और आकर उन्होंने क्या किया दो पत्थर ऐसे रखे एक पत्थर ऊपर रखा है ना एक डेरी जैसा डेरी होती है ना हमारे गांव में दो पत्थर एक ऊपर एक पत्थर और उसमें भगवान को पधरा दिया और फिर सनातन गोस्वामी तो दिन भर स्मरण करते ग्रंथ लिखते और दो पांच जन के घर पर मधुकरी करते भोजन मिला तो मिला नहीं मिला तो भूखे तो दो तीन दिन की सूखी रोटी सनातन गोस्वामी को मिलती वो खाते भगवान को भोग लगाते फिर वह भोग स्वयं ग्रहण करते तो सुंदर भगवान की सेवा आदि चल रही थी एक दिन भगवान मदन गोपाल सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आए सनातन तूने मेरी सेवा तो शुरू कर दी लेकिन ये रोज सूखी रोटी खिलाता है कम से कम रोटी के साथ नमक और मिर्ची तो रख दे है ये कोरी कोरी रोटी गले नहीं उतर पा रही है कम से कम नमक तो डाल दे। सनातन गोस्वामी ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि ये सब टाइम हमारे पास नहीं है हम तो आए गुरु जी की सेवा के लिए और आप कहते हो तो, आज नमक मांग रहे हो कल फिर घी मांगोगे फिर परसों सब्जी मांगोगे फिर दाल भात मांगोगे तो ये हमारे पास हम तो वैरागी बाबा साधु हैं हम ये सब कहाँ से जुटाएंगे सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया फिर अब तो दो पत्थर साइड में एक पत्थर ऊपर डेरी जैसा था बारिश धूप ठंडी गर्मी तो एक दिन फिर से मदन गोपाल मदन गोपाल सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आए सनातन खाना पीना तो ठीक है लेकिन रहने के लिए कुछ व्यवस्था तो यहाँ ठंड कितनी लगती है गर्मी कितनी लगती है सनातन गोस्वामी ने कहा अभी भी कहता हूँ वापस चले जाओ हमारी शादी नहीं हुई है कि मुझे आपको निभाना पड़ेगा आप वापस मैं पहले ही कह रहा था कि ये हमारे बस की बात नहीं है तो मदन गोपाल ने कहा तो पक्का है कि आप मेरे लिए घर नहीं बनाओगे ये व्यवस्था नहीं करोगे बोले मैं कहां से करूं मैं कहां से आपके लिए ये सब व्यवस्था करूं मदन गोपाल ने कहा तो मैं अपने से कर लू आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास तो बहुत सारे प्लान है बोके आप प्लान करो मुझे क्या लेना देना आप अपने से कर लो व्यवस्था तो अब देखिए अब भगवान तो भगवान है भगवान मदन गोपाल ने अपनी माया चलाई है ये मैप तो आप ब्रज का देख ही रहे हैं यमुना के तट पर ही ये टीला है और इसी पर यह सब लीला चल रही है इसी यमुना के तट से एक जहाज दिल्ली की ओर जा रहा था एक बहुत बड़ा जहाज था इसका नाम भी है कृष्णदास कपूर एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे दिल्ली के बहुत बड़े मालिक थे उसका नाम था कृष्णदास कपूर नमक का बिजनेस था और उसका उसकी बहुत बड़ी शिपमेंट बहुत बड़ी शिप जहाज यमुना से उन दिनों यमुना में बहुत जल था समुद्र की तरह तो जहाज जा रहा था अब मदन गोपाल ने अपनी माया चलाई और वो जहाज वहीं पर फंस गया ऐसा फंसा ऐसा फंसा कि कृष्णदास कपूर की सारी कमाई समाप्त हो जाने वाली थी फिर वहां पर एक मदन गोपाल ही वहां पर एक अपना रूप बनाकर गए और उन्होंने कृष्णदास कपूर की नौका जैसे तैसे वहां से वह शिव बाहर निकलवाई और कृष्णदास कपूर ने कहा कि आपने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है आपने मेरा बहुत अच्छा काम किया बोलो मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं तो ये तो मदन गोपाली थे रूप बदल कर गए थे बोले मुझे कुछ नहीं है लेकिन वो जो टीला है ना द्वादश आदित्य टीला वहां एक बाबा जी रहता है और वो भगवान की सेवा करते हैं लेकिन सेवा में कोई दम नहीं है तुम एक काम करो अब तो तुम्हारी नौका बज गई है वो तो मौत को देख लिया था कि मैं तो बस उठ गया मेरी परंपरा चली गई तो इन्होंने कहा कि देखो तुम्हें करना है तो तुम इससे जो पैसे कमाओगे उस द्वादश आदित्य टीला पर भव्य मंदिर का निर्माण करो बोले जरूर न? आपने मेरी रक्षा की मेरी संपत्ति की रक्षा की वो दिल्ली गए नमक को बेचा और जितना पैसा कमाए वो कृष्णदास कपूर ने वो सारा धन यह भव्य मंदिर के निर्माण में लगा दिया इससे उन्होंने यह भव्य मंदिर का निर्माण कृष्णदास कपूर ने करवाया सो so, अब भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और उसमें अब इच, अब जो भगवान थे उन्होंने अपने अपने हाथों से ही ये सब कुछ किया था तो मदन गोपाल जी अब वो छोटी सी डेरी से निकलकर मंदिर में उनकी प्रस्थापना हो गई मदन गोपाल जी भव्य मंदिर में प्रस्थापना हो गई और जब मंदिर में प्रस्थापना हुई तो उनका नाम बदल दिया अब तक उनका नाम मदन गोपाल था लेकिन इस भव्य मंदिर में मदन गोपाल को रखकर उनका नाम कर दिया मदन मोहन तो मदन गोपाल से हो गए मदन मोहन श्री मदन मोहन भगवान की श्री मदन मोहन भगवान की ये छोटी सी विंडो में आप देख रहे हो तो यही सब लीला चल रही है फिर हम विस्तार से इसे देखेंगे समझेंगे तो बहुत मंदिर कृष्णदास कपूर सेठ जी ने बना दिया और मदन गोपाल की सेवा आ, मदन मोहन जी की सेवा होने लगी अब बहुत सुंदर सेवा होने लगी और एक इतिहास आता है कि उन दिनों उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र जिसका जिक्र हमारे चैतन्य चरित में हुआ है हुँ? सो उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र बड़े चैतन्य महाप्रभु के भगत थे सेवक थे और उस राजा प्रताप रुद्र का एक सुंदर पुत्र हुआ जिनका नाम था पुरुषोत्तम देव सो पुरुषोत्तम देव को पता चला कि मदन मोहन जी और गोविंद देव जी ये दोनों बिचारे अकेले हैं उनके साथ राधा रानी नहीं है तो उड़ीसा से पुरुषोत्तम देव जी ने दो राधा रानी की मूर्ति दो राधा रानी का विग्रह भेजा ब्रज वृंदावन में कि एक गोविंद देव जी के साथ राधा रानी आ जाए और एक मदन मोहन जी के साथ राधा रानी आ जाए तो पुरुषोत्तम देव जी ने दो विग्रह भेजा और यहां पर ये मदन गोपाल स्वप्न में बहुत आते फिर से स्वप्न में आए मदन गोपाल मंदिर के हेड पुजारी के स्वप्न में आए और कहा पुरुषोत्तम देव ने यह सोचकर भेजा है कि मैं दो राधा रानी भेज रहा हूं मदन मोहन और गोविंद देव जी के लिए लेकिन उसने जो दो विग्रह भेजे हैं वो दोनों राधा रानी के नहीं है उसमें से एक विग्रह राधा रानी का है और एक विग्रह ललिता सखी का है तो पुजारी ने कहा मैं क्या करूं बोले तुम जाओ उसकी अगवानी करो और वो दोनों विग्रह लेकर आओ और वह दोनों विग्रह की स्थापना इस मदन मोहन मंदिर में मेरे बाजू में कर दो। पुजारी ने कहा लेकिन मैं कैसे पहचानूंगा उसमें से राधा रानी कौन है ललिता सखी कौन है मूर्ति बनाने वाला बेचारा नहीं पहचान पाया मूर्ति डोनेशन देने वाला पुरुषोत्तम देव नहीं पहचान पाया तो मैं कैसे पहचानूंगा तब भगवान कान पकड़कर पुजारी को कहते थोड़ा भागवत पढ़ाकर ललिता सखी की हाइट बड़ी होगी और जो हमारी राधा रानी है उसकी हाइट उनसे छोटी होगी राधा को बाम भाग में रखना है ललिता को ये भाग में रखना है कृष्ण ने ये सारी बात स्वप्न में उस ब्राह्मण उस पुजारी को बताई पुजारी अगवानी किए और श्रीमती राधा रानी और ललिता सखी को लेकर आए और दोनों की प्रस्थापना की और हो गए राधा मदन मोहन श्री राधा मदन मोहन भगवान की तो हो गए भगवान राधा मदन मोहन अब तो राधा रानी के साथ ललिता सखी के साथ भगवान मदन मोहन विराजमान है अब कई वर्षों तक इस मदन मोहन मंदिर में राधा मदन मोहन ललिता सखी आदि की सेवा हुई लेकिन भक्तों एक बहुत बड़े दुख की बात हम हिंदू धर्म के ऊपर हम सनातनी धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा एक ऐसा समय बीता एक ऐसा काल आया जिसमें हमारी संस्कृति के ऊपर हमारे धर्म के ऊपर मुस्लिम मोगल यवनों के बड़े प्रहार हुए और उन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति को तोड़ने का पूरा प्रयास किया ग्रंथों को जलाया मंदिरों को तोड़ा उनका यही उद्देश्य था कि यदि दुनिया को जीतना है तो दुनिया के धर्म को तोड़ो धर्म टूटेगा तो दुनिया अपने आप टूटेगी और उस उन दिनों औरंगजेब और उन्हीं के जैसे कुछ लोग हा? मैं आपके लिए जानकारी के, के लिए कह दूं कि मुस्लिम लोग भी औरंगजेब को अच्छा नहीं मानते हैं हमारे लिए तो वो बुरे हैं ही लेकिन उनके समाज के लोग भी उनको अच्छा नहीं मानते हैं औरंगजेब तो अपने बाप के लिए भी अच्छा वो तो बाप का भी नहीं हुआ शाहजहां को कारागार में बंद कर दिया तो उन्होंने अपनी हमारी संस्कृति पर बड़ा प्रहार किया वो ब्रज में आया और ब्रज के सारे मंदिरों को तोड़ने लगा मंदिर के विग्रह को तोड़ने लगा लूटने लगा और उन्हीं दिनों राजस्थान के शुरू राजा मान सिंह राजस्थान के एक बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त रहे राजा मान सिंह उन दिनों ब्रज में आए और ब्रज में ब्रज के तीनों विग्रहों को सुरक्षित सीक्रेटली ब्रज से लेकर राजस्थान में चले गए तो राजस्थान में उन्होंने गोविंद देव मदन मोहन और गोपीनाथ जी को लेकर गए उन्होंने मदन मोहन जी को राजस्थान में करोली नामक गांव में इस मदन मोहन जी को प्रस्थापित किया तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिनकी सेवा सनातन गोस्वामी अपने हाथों से करते थे कृष्णदास कपूर ने जो महल मंदिर बनवा दी कर दिया था और जो स्वयं वज्रनाभ जी के द्वारा उतरा के कहने पर विग्रह बना था वह स्वयं भू विग्रह आज करौली में है राजस्थान में हुँ? और अभी वर्तमान में वृंदावन में जो मदन मोहन हु वैसे ही मदन मोहन जिसे प्रतिभू मूर्ति कहते हैं तो वही प्रतिभू मूर्ति आज ब्रज वृंदावन में है लेकिन एक सिद्धांत याद रख लीजिए कि स्वयंभू और प्रतिभू मूर्ति में कोई अंतर नहीं होता स्वयंभू और प्रतिभू मूर्ति में कोई अंतर नहीं होता दोनों का प्रभाव स्वभाव समान होता है तो ऐसे राधा मदन मोहन आज ब्रज वृंदावन में विराजमान है ऐसे राधा मदन मोहन को आइए हम भाव से प्रणाम करें और प्रणाम करते हुए हम इनका दर्शन करते हुए हम आगे बढ़े राधा मदन मोहन जी के विषय में हमारे गोड़ीय ग्रंथों में लिखा है जयताम सुर तो पंगो मम मंद मते गति मत सर्वस्व पद भोजो राधा मदन मोहनो राधा मदन मोहन जयताम सुर तो पंगो मोह मंद मतेर गति जय जयकार हो किसकी जय जयकार हो राधा मदन मोहन की जय जयकार हो मैं उनको प्रणाम करता हूं मेरे जैसे पंगु मेरे जैसे अज्ञानी और मेरे जैसे अल्पबुद्धि के जो रक्षक है ऐसे राधा मदन मोहन को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं हमारे वेद हमारे शास्त्र तीन तत्व को बताते हैं है ना आप आप वेद शास्त्र को पढ़ो तो कथाएं तो बहुत सारी मिलेगी श्लोक बहुत मिलेंगे लेकिन कुल मिलाकर केवल तीन सिद्धांत है मूल रूप से एक है संबंध एक है अभिधेय और एक है प्रयोजन एक है ईश्वर के साथ आत्मा का संबंध और फिर उस संबंध को स्थापित करने का उपाय और संबंध स्थापित हो जाने के बाद प्रेम वो है प्रयोजन ये तीन सिद्धांत मूल रूप से है तो संबंध आदि देव राधा मदन मोहन को माना गया है ज्यादा क्या बताऊं इस कलयुग में हम सब को परेशान करता है काम और काम को मदन कहा गया मदन है जो काम जो है हमारे मन को हर लेता है तो काम को हमारे वेदों में मदन कहा गया लेकिन मदन को भी मोहित करने वाले काम को भी मोहित करने वाले हैं भगवान मदन मोहन है। भगवान मदन मोहन मैं संस्कृत पढ़ता था ना तो ये हमारे डॉक्टर राम रूप मिश्र बताते हैं मदन मोहन माने मद न मोह न मद नहीं है मदन माने मद नहीं है जिसमें वो है मदन और न और मोह नहीं है जिसमें वो है मोह न और जिसमें मोह भी है और जिसमें मद भी है वो है मोह मद खैर तो मदन मोहना ऐसे भगवान मदन मोहन को हम प्रणाम करते आइए विशेष रूप से मदन मोहन को प्रणाम करने से हमारे जीवन की सारी कामना वासना दूर होती हैं स्मरण करते हुए मदन मोहन जी का हम दर्शन करें कीर्तन करते हुए जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे दे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधाे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधाधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे श्रील सनातन गोस्वामी प्राण धन है सनातन गोस्वामी सनातन प्राण धन है जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा ये सब कपूरचंद की कृपा है ये जो आप देख रहे हो ना ये कुछ नहीं था फक्कड़ थे लेकिन ये राधा मदन मोहन जी ने ही अपने से ये चक्कर चलाया उसकी नौका फसवाई और इन्होंने अपने लिए ये भव्य इमारत ये भव्य मंदिर राधा मदन मोहन जी ने बनवा लिया साथ ही साथ इस मंदिर के पीछे आप देखोगे इस मंदिर के पीछे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है श्री सनातन गोस्वामी बिल्कुल इस मंदिर के पीछे वहाँ पर वे भजन करते थे और सनातन गोस्वामी प्रतिदिन मदन मोहन जी के साथ सुंदर लीला करते थे तो इस प्रकार से मदन मोहन की कथा को हम यहाँ पर विराम करें और आइए अब हम आगे की ओर बढ़ें मदन मोहन जी का दर्शन करने के बाद अब परिक्रमा करते 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 हम आगे बढ़ रहे हैं और यमुना के तट पर चल रहे हैं तो आइए अब ये करते करते हम एक सनातन गोस्वामी के भजन कुटिर का दर्शन करें सनातन गोस्वामी की ये भजन कुटिर हैं ये मदन मोहन मंदिर के बिल्कुल पीछे हैं नीचे जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर Kur, 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 जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखिए मैप में आप देख लीजिए मदन मोहन मंदिर का दर्शन किया और द्वादश आदित्य टीला की जो मैंने बात की उस द्वादश आदित्य टीला के ऊपर ही ये मदन मोहन मंदिर बनाया गया है सुद्वादश आदित्य टीला पर्वत के ऊपर ये मदन मोहन मंदिर है चनातगनुगोस्वामी की समाधि है और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम सब चलेंगे धीरे 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 हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ते बढ़ते अब जिस स्थान पर पहुँचे हैं वो स्थान है इमली तला अब इमली तला के पहले वैसे परिक्रमा मार्ग में नहीं है लेकिन परिक्रमा मार्ग से थोड़ा सा आप आउट जाओगे और आउट जाकर थोड़ा सा आपको पाँच मिनट चलना पड़ेगा तो पाँच मिनट चलकर सेवा कुंज आएगा आप देखो फोटो में देख सकते हैं सेवा कुंज तो ये जो सेवा कुंज हैं ये परिक्रमा मार्ग से थोड़ा सा हटके हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सेवा होती थी भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं को प्रसन्न करने हेतु तो, या श्रीमती राधा रानी से मिलने हेतु तो, यहाँ पर गोपियाँ उनकी सेवा करती थी और इस सेवा कुंज में दास को एक मन को लुभाने वाली बात यह है कि यहाँ पर नित्यानंद प्रभु का दंड है नित्यानंद प्रभु जो दंड रखते थे वो दंड आज भी सेवा कुंज में विराजमान है यदि वृंदावन जाओ तो दंड को मस्तक पर रखना मत भूलिएगा तो ये हटके हैं ये परिक्रमा मार्ग में नहीं है लेकिन जो आया तो अब मैंने बता दिया अब हम सीधे आगे चलेंगे और आगे सर्वप्रथम आएगी इमली तला सो so, इमली तला का दर्शन हम सब लोग यहाँ पर करेंगे ये इमली तला बहुत सुंदर स्थान है इमली का एक बहुत सुंदर वृक्ष है और यहाँ पर श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं होती थी कृष्ण इस इमली तला इस स्थान पर बैठते थे तो बैठकर राधा रानी की इतनी याद आती थी कृष्ण को राधा रानी की इतनी याद आती थी कि भगवान श्री कृष्ण का रंग राधा रानी जैसा गोल्डन हो जाता था चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य चरित में वर्णन है वृंदावन की यात्रा के लिए जब जगन्नाथपुरी से आए तो उन दिनों वृंदावन विकसित नहीं था उन दिनों वृंदावन तुलसी का वन था यहाँ कुछ नहीं था इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब उन दिनों सवा पाँच सौ वर्ष पूर्व वृंदावन आए तो वे अक्रूर घाट मतलब मथुरा और वृंदावन की बॉर्डर जहाँ से मथुरा से प्रवेश करते हैं वहाँ अक्रूर घाट पर चैतन्य महाप्रभु रहते थे लेकिन प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु चलकर इस इमली तला पर आते थे और इस इमली तला के नीचे इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे कृष्ण की याद में चैतन्य महाप्रभु का रंग श्याम वर्ण का हो जाता था यह इमली तला और श्रीमती राधा रानी यहां पर इस वृक्ष के साथ बहुत सुंदर लीला है कुछ वर्ष पहले यह मंदिर बनाने के लिए यहाँ कुछ महल बनाने के लिए किसी राजा ने इस वृक्ष को काटना चाहा वृक्ष की डाली काटते ही उससे खून की धारा बहने लगे जैसे हमें कोई आ, कुछ छुरी लगती है तो आदमी के शरीर से ब्लड निकलता है वैसे वृक्ष में से लहू लाल रंग का खून निकलने लगा तो ये बहुत सुंदर स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भी लीला है राधा की लीला है श्री चैतनी महाप्रभु के लिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे साथ ब्रजवासी भी है और भक्तों मैं तो बहुत लोभी हूँ मैं तो बहुत बोलता रहता हूँ लेकिन किसी से सुनने मिल जाए तो ज़्यादा आनंद आता है तो आज आ, ब्रजवासी के मुख से हम ये लीला सुनेंगे मैंने गोविंद टीवी से कहा है कि जितना हो सके उतना भाई हम तो बोलते रहते साल भर बोलते हैं लेकिन यदि ब्रजवासी मिल जाए और कोऑर्डिनेशन हो जाए तो ब्रजवासी के मुख से ही ब्रज की महिमा सुनना एक अद्भुत आनंद है और हमें तो गुरुदेव ने यही सिखाया है कि जहां जाते हैं उस स्थान के स्थान की भक्तों से धामवासी से आप कथा सुनो तो हृदय में और आनंद और पवित्रता आती है है ना जैसे जैसे कोई लड़का है स्कूल में कोई लड़का है अच्छा काम करता है तो दुनिया के लोग उनकी प्रशंसा करेंगे ठीक है लेकिन उनकी माँ अपने बेटे की प्रशंसा करेगी उसमें कुछ अलग रस होगा अलग भाव होगा क्योंकि वो संबंध है तो ब्रजवासियों का दिलो जान से कृष्ण से संबंध है और ऐसे ब्रजवासियों से ब्रज के महिमा आ, सुनना ये बहुत बड़ा लाभ है ये बहुत बड़ा आनंद है तो आइए ब्रजवासियों को हम निवेदन करते हैं कि कुछ हमें दो शब्द सुनावे ताकि हम भी कृतार्थ चैतन्य तो। महाप्रभु जब वृंदावन आए थे उस समय वृंदावन में कोई मंदिर नहीं था महाप्रभु ने चुराक्षी को परिक्रमा करके मथुरा के निकट जो भातरोल ग्राम है वहाँ ठेरते थे और सुबह उठ के चिरघाट में स्नान करके इसी पेड़ के नीचे बैठ के हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे ये महामंत्र बारह बजे तक करते थे बाद में जाके कुरुघाट में प्रसाद ग्रहण करते थे चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में प्रमाण है प्राते वृंदावने कटे स्नान तेतुल तलासी कर विश्राम कृष्णलीला काले से बृक्ष पुरातन तार तले बांधा परम चिक्कन निकटे जमुना बहे शीतल समीर वृंदावे शोभा जमुनार नि ये चैतन्य चो चरित अमृत ग्रंथ में कविराज गोस्वामी ने लिखा जो महाप्रभु बस्तर अंगठ में स्नान करते थे इसी पेड़ के नीचे बैठ के हरिनाम संकीर्तन करते थे तो महाप्रभु वृंदावन आके इसी पेड़ के नीचे क्यों भजन किया भजन करने का कारण है दापर युग में भगवान जब महाराज लीला किया राधा रानी ने देखा सबके पास में कृष्ण है और गोपी लोग सोचता थे हमारा पास में ही है और दूसरे पास में नहीं तो इसी देख के राधा रानी थोड़ा अभिमान करके अपना जो अष्ट के लेके कर यहाँ से पाँच किलोमीटर दूर जो सरोवर वहाँ से यहाँ से अंतर्धान होके वहाँ जाके रोने लग गया इधर शाम सुंदर नृत्य करने का समय आनंद नहीं मिला क्योंकि राधा रानी को लाधिनी शक्ति बढ़ा गया राधा रानी जब नहीं है तब श्याम सुंदर भी रात छोड़ के राधारानी के अन्वेषण करने लग गया जब कोई न जाएगा उसको दर्शन नहीं मिला तो इसी पेड़ के नीचे राधामंत जपोंग ध्योंग सर्वोत्त पुरुषती राधि हो यहाँ बैठ के शाम सुंदर राधामंत जप किया और ऐसे तन्मय होकर जप किया जो उनके जो शाम वर्ण अंतर्ध्यान हो गया उनके वर्ण गौर हो गया तो गौर रूप जब धारण किया राधारानी वहाँ से दौड़ लगाए जमुना पार से ही देख रहे गोपरूप सुंदर वर्ण पुरुष इमली पेड़ के नीचे में बैठ के जप कर रहे तो ललिता सुखी के पूछा ये कहाँ से आया अकेला श्याम सुंदर हमारा ये वृंदावन में पुरुष है और सब तो प्रकृति है तो ललिता सुखी हंस रहे बोले ये तुम्हारा श्याम सुंदर है तुम्हारा रूप चोरी करके बैठ गया राधा रानी पास में आके जब पर्श गया तो देखा जैसे गौरवर्ण रूप अंतर्धान हो गया वो पूछा प्रभु पुछ तुम्हारा ये रूप किस लिए हुआ बोले मैं आज एक अपरूप रूप आस्तन किया मुझे देख के सारा विश्व में अनंतरी ब्रह्मांड में सब लोग मोहित हो जाता है और तुम मुझे देख के आनंद लाभ करते थे इसी रस आस्वादन करने के लिए मैं कलिजुग में चैतन्य महापुर रूप धारण करके अवतीर्ण हुआ ये कलि युग का प्रारंभ का जो चैतन्य महाप्रभु का रूप यहाँ प्रकाश हुआ इसलिए महाप्रभु जब वृंदावन आए थे इसी बैठ के उन्होंने दोबारा वृंदावन को प्रकाश किया महाप्रभु आके उस समय काम को लोग सोचता थे वृंदावन तो महाप्रभु ने बताया ना ये है वृंदावन यहाँ से नंदग्राम तो वृंदावन बाकी सब चुरासी को है श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्री इमली तला की निताई कौर प्रेमानंद सो बहुत सुंदर है हमारे महाराज श्री ने वहाँ की महिमा सुनाई जैसे मैंने कहा कि पवित्र हृदय से भले चंद शब्द कहे लेकिन बहुत अच्छा लगता है तो हम यात्रा के दौरान इस प्रकार से जितना संभव हो सके प्रायोरिटी यही होगी कि स्थान कीय धामवासी ब्रजवासी के मुख से हम सुने और बाकी यदि कोई न मिला तो हम तो बैठे ही हैं सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं भक्ति रत्नाकर के अनुसार यहाँ पर सुबल और अन्य सखाओं को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार से श्रृंगार किया जाता है सो कृष्ण को यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है और नित्यानंद प्रभु विचरण करते करते जब इस स्थान पर आए तो नित्यानंद प्रभु ने इसी श्रृंगार वट के नीचे इसी वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु रहते थे और यहाँ रहकर वे भजन करते थे तो इस श्रृंगार वट के नीचे भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार किया जाता था ऐसा वर्णन है कि यूं तो माँ यशोदा कृष्ण को अपने घर पर गले में सोने का हार हाथों में सोना कमर में सोना बहुत सुंदर कृष्ण को श्रृंगार करके भेजती थी परंतु सखाओं के साथ जब कृष्ण इस प्रकार वन में आते थे तो कृष्ण को बिठा देते थे और सारे सखा कृष्ण का ये गोल्ड ये जो रत्नों का श्रृंगार उतार कर उनको वैजंती माला वन माला इत्यादि धारण कराते हैं और कृष्ण के चेहरे पर कृष्ण के हाथों में चरणों में सुंदर सुंदर पत्र जैसे आज हम इस्कॉन में भगवान के चेहरे के ऊपर जो पत्र बनाते हैं ऐसे पत्र बनाते थे तो ये वही श्रृंगार वट है जिस वट के नीचे भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार होता था सो श्रृंगार वट दर्शन करने के बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं श्रृंगार वट के बाद अब है चीर घाट श्रृंगार वट से हम परिक्रमा मार्ग में आगे निकले तो अब आगे हैं चीर घाट सो ये चीर घाट की भी बड़ी पावन बड़ी पवित्र लीला है इसी चीर घाट पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के चीर चीरया था सो so, कथा कुछ इस प्रकार की है हेमंत महीने की हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में नंद गोप कुमारी का ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं कात्यायनी देवी की उपासना करने लगी और एकमात्र उनका लक्ष्य था कि कृष्ण हमारे पति बन जाए और फिर वे भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने के लिए अनेकों प्रकार की मेहनत करने लगी ये कथा आप सब लोग जानते हैं ठीक है ये कथा जो हुई थी मैं आपको मैप में दिखा दूँ ये मैप में जो चीरघाट लिखा है ना और चीर घाट ये पैदल चलने का मार्ग है राइट हैंड साइड चीरघाट है और लेफ्ट हैंड साइड यमुना है सो so, यमुना के उस पार ऐसा ही एक चीर घाट है।, है तो यमुना के उस पार जो चीर घाट है वहां पर चीरहरण लीला हुई थी ये जो गोपियों के वस्त्र चुरा कर कृष्ण बैठे थे ये चिरघाट कौन सा है ये मैं आपको बता दूं अब आप देख सकते हो चीर घाट के बिल्कुल अ पीछे अंदर की साइड से देखो वंशीवट है यहां चीर घाट है और शॉर्टकट लेकर जाओ अंदर के मार्ग से तो आपको वंशीवट सामने देखेगा यह वही वंशी है जहां पर कृष्ण ने बंसी बजाई और रासलीला की थी मैं आगे कहूंगा लेकिन हम चीरघाट के पास आ जाइए तो वंशीवट के पास कृष्ण की लीला हुई रासलीला हुई और रासलीला के पश्चात रात भर वैसे तो छह महीने तक रासलीला चली रात भर आ, रास करते करते कृष्ण और गोपिया थक गए और दूसरे दिन सुबह वे इसी चीर घाट यमुना में स्नान करने के लिए पधारे कृष्ण गोपियों के साथ स्नान कर रहे थे स्नान करते करते भगवान अंदर के स्थान से आकर गोपियों के वस्त्र को चुरा कर साइड में रख दिए और फिर से यमुना में आए गोपियों ने ऊपर जाकर देखा तो उनके वस्त्र नहीं थे और भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में बड़ी हंसी मजाक हुई और फिर कृष्ण ने गोपियों को वस्त्र दे दिए तो ये वो घाट है जहां पर रास लीला के बाद भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र को चुराया था और यमुना के उस पर लगभग 20 या 25वें दिन हम जाएंगे वहां वो घाट है जहाँ पर गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा करके कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा की थी तो ये घाट का दर्शन चीरघाट के विषय में पद्म पुराण में कहा गया है कि जब हम चीरघाट जाते हैं तो हमें भगवान को इस चीरघाट को प्रणाम करना चाहिए किस प्रकार से अनेक वर्ण वस्त्रेस्तु भूषिताय व्रजो कसे नाना चीर प्रवेशा नमस्ते गोपी नमस्ते गोपीवल्लभे वल्लभे गोपीवल सो पद्म पुराण में इस प्रकार से कहा गया है कि अनेक वर्ण वस्त्रेशु भूषिताय व्रजो कसे नाना चीर प्रविष्टाय नमस्ते गोपी वल्लभ है हे चीर घाट मैं आपको नमस्कार करता हूं हे गोपी जन वल्लभ मैं आपको नमस्कार करता हूं आप नाना वर्ण वस्त्रों से विभूषित हैं और आप भगवान श्री कृष्ण की सारी इच्छा को पूर्ण करते हैं उनको प्रसन्न करते हैं हम देखेंगे किस प्रकार से इस चीर घाट में जो वृक्ष है उस वृक्ष के ऊपर वस्त्र लगे हुए हैं तो अनेक वर्ण वस्त्रेशु भूषिताय अनेक प्रकार के वर्णों के वस्त्रों से जो विभूषित है ऐसे चीर घाट को हम प्रणाम करते हैं और जो भगवान की इच्छा को पूर्ण करते हैं और जो गोपियों के प्रिय है, है कृष्ण को जो प्रिय है ऐसे चीर घाट को हम बारंबार प्रणाम करते हैं पद्म पुराण में कहा गया इति मंत्रम चीर घाट जब हम जाएंगे अब हम तो जाएंगे कि हम गए ही हैं, तो हमें ये मंत्र बार करने चाहिए। सो इति मंत्र षडावृतिया मज्जना आचमन नमन आचमन करना चाहिए और इस चीर घाट को हमें प्रणाम करना चाहिए चीरम संपर्य छत्र पीत रक्त सीता सितम और हमें लाल पीला सफ़ेद या काले वर्ण का नाना किसी भी प्रकार का वस्त्र हमें वहाँ पर लगाना चाहिए वहाँ पर टांगना चाहिए तो ऐसे चीर घाट का दर्शन पावन दर्शन आइए हम लोग करें और यह दर्शन करते हुए हम अपने आप को पावन करें चीर घाट का दर्शन करने के पश्चात हम सब वृंदावन यात्रा की ओर आगे बढ़ें और आगे बढ़ते बढ़ते अब चिरघाट के बाद हम सब लोग पहुंचेंगे आ, केशी घाट तो आइए केशी घाट हम सब पहुंचे हैं केशी घाट ये ये केशी घाट के पास जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर यमुना नदी जो है बिल्कुल निकट आ जाती है और इस केशी घाट तक पहुंचने के लिए एक एक सांकड़ी रास्ते से गुजरना होता है जहाँ एक टाइम पर केवल एक ही व्यक्ति पास हो सकता है तो सुंदर केशी घाट को यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये केशी घाट नाम इसका इसलिए हुआ क्योंकि इस घाट पर भगवान श्री कृष्ण ने केशी नाम के असुर का वध किया था लगभग ये केशी नाम के असुर का वध लगभग रास लीला के बाद लगभग ब्रज में भगवान की ये अंतिम लीला रही लगभग ब्रज में भगवान ने ये अंतिम असुरों में से ये अंतिम असुर था ये लास्ट असुर था लास्ट बैट्समैन था इसको आउट किया भगवान ने और फिर भगवान ब्रज छोड़कर मथुरा गए तो ये केशी दैत्य घोड़े का रूप लेकर आया था बड़ा भयंकर था और इस केशी ने भगवान से कृष्ण के साथ भयंकर युद्ध किया था और युद्ध के दौरान उन्होंने ये किया था केशी घाट के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो रास्ते में कोई ऐसा मंदिर नहीं है केवल स्थान है उस स्थान को कहते हैं धीर समीर है। सो केशी घाट के बाद परिक्रमा वहाँ से थोड़ा सा टन लग जाता है सो so, यमुना का दर्शन करते हुए यमुना को प्रणाम करते हुए अब धीरे से आगे बढ़ेंगे हम धीर समीर पहुँचे हैं ये धीर समीर जो है ये एक स्थान है जहाँ पर मंद मंद वायु बहती है। तो यहाँ की मंद वायु भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को बड़ा आनंद प्रदान करती हैं सो so, धीर समीर धीर माने मंद मंद समीर माने वायु धीर समीर वायु बहती हैं और धीर समीर से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सो आगे बढ़कर हम सब लोग पहुंचेंगे वंशी वट ये देख लीजिए केशी घाट के उस रास्ते को देख लीजिए मैंने मैं जो कह रहा था देखिए ये मार्ग है ये केशी घाट पर हम सब लोग चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर यमुना नदी है और यहाँ से टर्न लगता है आप देखिएगा यहाँ से ये दर्शन ये कृष्ण ने उस घोड़े का वध किया केशी का सो so, इस प्रकार से आ, जो वहाँ पर हमने देखा ना टर्न लगते हुए सो so, वही यहाँ पर केशी घाट लिखा है वहाँ से टर्न लग लगा कर हम धीर समीर पहुँचे हैं और धीर समीर के बाद आगे बढ़ेंगे और स्थान है वंशी वट वंशी वट वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इसी वट के नीचे खड़े रहकर बांसुरी बजाई थी और कृष्ण ने समस्त गोपियों को यहाँ पर बुलाया था आ, रास लीला है तो सो ये वंशीवट का स्थान है ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे खड़े रहकर बांसुरी बजाए एग्जैक्टली वह वृक्ष जो है यमुना में बाढ़ आने के कारण बह गया उखड़ गया निकल गया लेकिन एक बहुत बड़े संत थे सन्यासी बाबा जी थे जो पूर्व जो ओरिजिनल वृक्ष था उसकी एक टहनी एक डाली उनके पास थी वो वो वृक्ष बह जाने के बाद उन्होंने उस टहनी को उस डाली को बोया और उससे एक बहुत बड़ा वृक्ष प्रकट हुआ और उस वह वृक्ष आज वहाँ पर उपस्थित हैं और साथ ही साथ वहाँ राधा वंशी विहारी भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं तो ऐसे वंशी वट का हम दर्शन करेंगे आइए रास लीला भगवान श्री कृष्ण जहां पर किए थे ऐसे वंशी वट का हम दर्शन निहारे शरद रातड़ी रात खिली बली बात बातनी तू नावे तो श्याम रास जा मै नश्या रास वेलो आवजे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर रास किया सो वंशी वट वंशीवट के बाद है वंशीवट का दर्शन करने के बाद है क्योंकि वंशीवट की कथा प्राय कल हो चुकी है वंशीवट का दर्शन करने के बाद हम सीधे आगे चलेंगे तो एक बहुत सुंदर मंदिर है जगन्नाथ जी का मंदिर सो आइए जगन्नाथ जी का मंदिर दर्शन कराने के लिए हमारे ब्रज के ही ब्रजवासी हमें मिले हैं तो हम ब्रजवासी के मुख से पहले जगन्नाथ जी के इस स्थान की महिमा सुने और फिर हम इस मंदिर का दर्शन करेंगे जी विग्रह भगवान बोलकर यहाँ आए हैं। इसकी कथा भक्त चटतांग में कई भक्त माल में मिलती है कि भक्त हरिदास जो फर पंजाब फरीदकोट के निवासी थे यहाँ के जमुना के तट पर वो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते थे काफी समय बीतने के बाद जब उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए तो अश्रुभ करने लगे कि बोले मैंने भगवान की आँखों ने दर्शन नहीं किए मैं आज अपना शरीर इस जमुना में प्रभावित कर दूँगा ऐसा विचार करके महात्मा हरदास जी रोने लगे भगवान अपने भक्त का ब्रह नहीं देख पाए उसी समय भगवान उनके सामने प्रकट हो गए भगवान जब प्रकट हुए तो महात्मा जी भगवान के मुखारविंद को निहारने लगे भगवान के वस्त्र स्थल को निहारने लगे धीरे भगवान को अपने तो निहारते निहारते जैसे ही महात्मा जी की नज़र भगवान के चरणों पर पड़ी तो महात्मा जी ने अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख दिया भगवान ने अपना वृद्ध महात्मा जी के सर पर रखा और कहा कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहां से जो मेरा पहला विग्रह है उसे यहां लेकर आओ और यहां स्थापित करो इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए महात्मा जी का भगवान नहीं है तो महात्मा जी को दुख हुआ रे मेरे को तो वो ये बोलना था ये नहीं कहा ही उनको स्मरण हुआ कि भगवान ने मुझे आदेश दिया है तो भगवान का आदेश स्मरण होते हुए भगवान के लिए महात्मा जी अपने शिष्य मंडलियों के साथ संकीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी गए जैसे ही वे जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी की सीमा में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया रास्ते की जितनी जो कष्ट था वो सारा दूर हो गया कहते महात्मा जी छह महीने ऐसा कुछ लगा था उस समय जगन्नाथपुरी में विग्रह परिवर्तन होना था आज भी वो होता है पहले जो विग्रह परिवर्तन होता था वो समुद्र में विसर्जन किया जाता था आज वो समाधि देते हैं जब दो आषाढ़ आते हैं अधिक मास में जैसे अभी अश्वनी मास में अधिक का महीना लगा इसी प्रकार जब जो अषाढ़ आते हैं तो भगवान का जो पहला विग्रह था उसको समुद्र में विसर्जन करते थे और नवीन विग्रह विधि विधान से उनका बनाया जाता था उसको स्थापित करते हैं ऐसा आज भी होता है उसी समय महात्मा जी गए तो महात्मा मंदिर मंदिर में मंदिर में गए, गए पुजारियों से मिले और उन्होंने भगवान का जो आदेश था पुजारियों को बताया पुजारी ने कहा हम कुछ भी नहीं कर सकते आप राजा से मिलिए, राजा चाहे तो आपको दे सकते हैं तो महात्मा जी राजा के पास गए उस समय प्रताप रुद्रमा के राजा थे उनके पास में गए महात्मा जी का राजा ने बहुत सम्मान किया और उनको बैठा रहा और उनका पूछा किस मेरे लिए क्या आदेश है तो महात्मा जी ने जो भगवान ने उनको आदेश दिया था वो बताया तो राजा ने कहा महाराज क्षमा करना हमारे पूर्वजों का जो नियम है समुद्र में विसर्जन करने का हम वो ही करेंगे क्योंकि जगन्नाथ ने भगवान श्री कृष्ण ने आपको आदेश दिया है मुझे आदेश नहीं दिया है इसलिए मैं करने में असमर्थ हूं महात्मा जी मां से लौट जहाँ भगवान को विसर्जन हो रहा था चक्र तीर्थ महा जा कर के बैठ गए और भगवान के उसी रूप का ध्यान करने लगे जिसका उन्होंने सर्वप्रथम वृंदावन में दर्शन किया था इधर इधर राजा जब अपने सहनगस्थ में सोने के लिए आया तो भगवान जगन्नाथ ने राजा को स्वप्न दिया कि वो साधु मेरी आज्ञा से आया है और मेरा जो पहला विग्रह है वो वृंदावन में रहेगा तुम जाओ राजू से साधु महात्मा से माफी मांगो राजा उठे और वो गए और उन्होंने महात्मा जी से माफ़ी मांगी और कहा मुझे भी मेरे जगन्नाथ का आदेश हो गया है और मेरे जगन्नाथ का जो पहला विग्रह मैं आपको वृंदावन ले जाने के लिए दूंगा महाराजा रुद्रप्रताप ने वही चारों विग्रह महात्मा हरदास जी को एक रथ पर सवार करके वृंदावन के लिए दिए वही विग्रह महात्मा जी ने यहाँ लाकर स्थापित किए और इसका जीर्ण उद्धार हमारे पूज्य गुरु श्री स्वामी गोलोकवासी ईश्वरपुर जी महाराज के द्वारा हुआ ये विग्रह चेतन है हमने इसका काफी अनुभव किया है और यहाँ की जितनी भी व्यवस्था है वो स्वयं जगन्नाथ जी की प्रेरणा से हो रही हैं। जो भी भक्त आता है इस मंदिर के बारे में एक बात और एक नियम है जैसे विदेशी लोग होते हैं जैसे जगन्नाथपुरी में हिंदू के अलावा कोई प्रवेश नहीं कर सकता यहाँ पर सबके लिए हमारे दादा गुरु गुरुपुरपाद जी ने कहा कि वही वृंदावन में जगन्नाथ जी का मंदिर है जो सबके लिए खुला हुआ है और उसके दर्शन का वही फल है जो जगन्नाथपुरी का है और हमारे चैतन्य महाप्रभु जी का जो जगन्नाथपुरी में रहते थे उनका हमेशा भाव वृंदावन के प्रति रहता था तो इसलिए जगन्नाथ जी को तो कहते हैं ये वही विग्रह जिसमें जगन्नाथ जी समा गए थे बहुत से लोग ये भी कहते हैं संत लोग लेकिन यह सबके लिए खुला हुआ है जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने आए समय पर आए प्रसाद भी सबके लिए व्यवस्था है जगन्नाथ स्वामी के महाराज जी ने जिस मंदिर का वर्णन किया ये मंदिर है यह जगन्नाथ मंदिर भव्य मंदिर है वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आइए हम उस मंदिर का दर्शन करें एक मिनट के लिए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पद गामी नयन गामी में जगन्नाथ स्वामी नयन पद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा महाराज जी ने बहुत सुंदर कहा कि जगन्नाथपुरी आप चले गए यदि आप विदेश से गए हो या आप सनातन धर्मी नहीं हो तो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिलेगा लेकिन ब्रज के ये जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं कि वहीं से ही हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों की कृपा करने आए और पूरे संसार में सभी जगत को दर्शन और शिल प्रभुपाद जी ने इस विग्रह के विषय में कहा कि पूरी दुनिया में एक ही ऐसे जगन्नाथ हैं जो सबको दर्शन देते हैं और वो है ये ब्रज के जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गा भवतो में जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय पल जय सुभद्रा अब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए संकीर्तन करते हुए नाचते हुए हम आगे बढ़ेंगे हुँ? क्योंकि हमें जल्द से जल्द मंदिर पहुंचना है तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद धीरे 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 हम आगे चले जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद चैतन्य कुटीर का दर्शन करके चैतन्य कुटीर जहाँ पर साधुओं की संतों की बड़ी प्रेम से सम्मानपूर्वक सेवा की जाती है तत्पश्चात चैतन्य कुटीर के सामने है पानी घाट ये पानी घाट वो स्थान है ठीक ये पानी घाट यमुना है ठीक यमुना के उस पार पानी गांव है उस पानी गांव में जाने के लिए ये पानी यह पानी घाट है यहां वही प्रसंग हुआ था पानी गांव में दुर्वासा ऋषि आए थे और गोपिया यहीं से दुर्वासा ऋषि को भोजन खिलाने के लिए यमुना पार करके जाना चाहती थी तो सुंदर पानी घाट है और पानी घाट से पानी गांव जाने के लिए ये कथा जो है बीसवें दिन हम सुनेंगे पानी गांव की कथा दुर्वासा ऋषि की कथा लेकिन आइए अब हम आगे बढ़ते हैं पानी घाट के बाद यहाँ पर बीच में लिखा नहीं है लेकिन और एक घाट है राजघाट आप सब जानते हैं यमुना के तट पर घाट तो होते ही हैं ये पानी घाट के बिल्कुल आगे एक घाट है राजघाट यहाँ की एक बहुत सुंदर लीला है एक बार श्रीमती राधा रानी और अनेकों गोपिया सखियां यमुना को पार करना चाहती थी और उस समय भगवान श्री कृष्ण एक नौका लेकर नाविक बनकर आए गोपियों ने कहा कि हमें नौका पार करा दो कृष्ण ने कहा मुफ्त में नहीं होगा पैसा लगेगा बोले ठीक है कितना चाहिए तो ललिता विशाखा अन्य जो सखिया थी उससे एक आना दो आना इस प्रकार से आ, बहुत कम पैसे लिए राधा रानी का जब टर्न आया तो कृष्ण ने कहा कि आपको तो दोनों सोने की जो आपके कानों में जो बाली है ये दोनों कानों की बाली आपको देनी होगी सखिया कहने लगी कि भाई हमसे तो एक आना दो आना और राधा रानी से सोना गोल्ड आपको इतना सारा पैसा चाहिए क्यों तब भगवान कृष्ण ने कहा इसलिए क्योंकि ये राधा रानी जो है महाराज वृषभानु बाबा की बेटी है और वृषभानु बाबा बहुत बड़े राजा हैं तो राजा की बेटी है तो जैसा पात्र होगा ऐसा ही पैसा मांगा कृष्ण ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत किया कि इस दुनिया में सेवा जो है ना अपनी कैपेसिटी से अपनी योग्यता से होनी चाहिए इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि कृष्ण ये नहीं देखते कि हम कितना दे रहे हैं ध्यान से सुनिएगा कृष्ण ये नहीं देखते कि हम कितना दे रहे हैं कृष्ण ये देखते हैं कि दे हम कितना बचा कर रखते हैं कृष्ण के पास वो हिसाब नहीं है कि हमने कितना डोनेट किया हाँ कृष्ण के पास वो हिसाब अवश्य है कि हमने कितना बचा कर रखा है <laughs> तो समझते ना कई बार कुछ लोग करोड़ों का दान करते हैं लेकिन कैपेसिटी उनकी बहुत ज्यादा है और कहीं पर कई कही बार कुछ दरिद्र गरीब होते हैं वो एक आना दो आना का दान कर देते हैं तो वो करोड़ों से भी अधिक बढ़ जाता है तो इस राजघाट पर भगवान श्री कृष्ण ने ये, से, ये लीला प्रस्तुत की और एक बहुत सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत किया सो इस प्रकार से राजघाट का दर्शन करते हुए हम धीरे-धीरे धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे और एक बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी का यह मंदिर जिसे कहते हैं चैतन्य बैठक हम सब चैतन्य बैठक का दर्शन करें यह चैतन्य महाप्रभु की बैठक है चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे तो परिक्रमा करते-करते वे यहाँ एक वृक्ष के नीचे आकर बैठे और कुछ देर तक उन्होंने विश्राम किया तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु की वृक्ष के नीचे बहुत सुंदर विग्रह है और साथ ही साथ मुरारी गुप्त के द्वारा सेवित जगन्नाथ जी का विग्रह है और दो शालीग्राम शिला है सो बहुत सुंदर है जगन्नाथ जी यहाँ के जगन्नाथ जी की विशेषता है यहाँ के जगन्नाथ जी के कान है वैसे जगन्नाथ जी के कान नहीं होते हैं लेकिन चैतन्य बैठक मुरारी गुप्त के द्वारा सेवित विग्रह जगन्नाथ जी के बहुत सुंदर कान हैं और चैतन्य महाप्रभु की यहाँ पर सुंदर बैठक है इसे महाप्रभु की बैठक कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की बैठक कहते हैं तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कुछ देर के लिए यहाँ पर विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद अब चैतन्य महाप्रभु यहाँ से खड़े हुए और कीर्तन करते 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 गोरे दाऊ जी का दर्शन लेते हुए अटल्ला चुंगी को पार करते हुए मथुरा मार्ग को पार करते हुए परिक्रमा करते करते अब धीरे धीरे जहाँ से हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर हम सब लोग कृष्ण बलराम मंदिर में पूरी परिक्रमा करके वापस लौट चुके हैं तो इस प्रकार से ये हमारी पूरी वृंदावन की परिक्रमा भाव से सभी भक्तों से निवेदन है वृंदावन पहुंच गए हैं और आज ही हमें वृंदावन से मथुरा जाना है आज ही हमें वृंदावन से मथुरा जाना है थोड़ी सी देरी होगी तो सब लोग संकल्प के लिए तैयार हो जाइए हम सब लोग पूरे एक महीने की परिक्रमा का संकल्प करेंगे सो so, हमारा आदिवास समाप्त तो हुआ ब्रज वृंदावन में हमने एक दिन एक दिन की यात्रा की और अब संकल्प सबने ले लिया है वैसे कृष्ण भक्ति में शुद्ध भक्ति में संकल्प अपने आप हो जाता है लेकिन फिर भी एक वेद की विधि है इसलिए हम सब ने संकल्प कराया और उन्होंने मुझे पंडा बना दिया है तो एटलीस्ट एक, एक महीने तक पंडागिरी करना है <laughs> आप सबको ब्रज घुमाना है ब्रज चौरासी कोस की यह यात्रा है वक्तों यदि हम ब्रज चौरासी कोस की यात्रा करेंगे तो ये चौरासी लाख ,00 की योनि की जो यात्रा है उससे हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे तो चौरासी लाख योनि की यात्रा से मुक्त होना है तो ब्रज चौरासी कोस की यात्रा ज्यादा समय न लेते हुए आइए वृंदावन से हम सब प्रारंभ करते हैं और चलते हैं मथुरा की ओर ये वही मार्ग हैं जिस मार्ग से अक्रूर जी आए थे उसी मार्ग से हमें चलकर जाना है आप यदि कार से जाओ ऑटो रिक्शा से जाओ तो ये मार्ग नहीं मिलेगा ये मार्ग तो पद यात्रा करने वाले को चलकर परिक्रमा करने वालों को ही प्राप्त होगा बाकी मथुरा वृंदावन तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं लेकिन हम एक विशेष मार्ग से जाएंगे आज का डिस्टेंस जो तय करना है वो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूं। आज का ये मैप है इसे मैं जूम करता हूँ अभी हम सब लोग यहाँ पर इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर में है इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर से हमें चलना है अब चलना क्या है हम चल ही देते हैं आइए कीर्तन करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नाचते हुए मतलब खड़े हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे ए हरे राम हरे राम 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 हरे हरे so, तो इसकोन कृष्ण बलराम मंदिर से हम चले हैं जहाँ चरण के चिन्ह हैं उस मार्ग को आप देखिएगा सो so, मंदिर से हम निकले हैं और हम चलते चलते आए हैं मथुरा मार्ग पर क्योंकि हमें मथुरा जाना है फिर वहाँ एक रेलवे ट्रैक है छोटा सा एक ट्रेन चलती हैं दिन में एक बार दिन में एक बार ट्रेन आती है, सो उस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके अटल्ला चुंगी पर हम पहुँचे ये अटल्ला चुंगी सीधे मथुरा जाती है लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़कर अंदर वन के मार्ग में चले जाएंगे और ये अंदर वन के मार्ग में जाकर एक बहुत सुंदर मंदिर ये भी एक पर्वत के ऊपर एक टीला के ऊपर मंदिर है और इस मंदिर का नाम है राधा भतरोड़ बिहारी मंदिर इस गांव का नाम है भतरोड़ हम एक गांव पार करके दूसरे गांव में आ चुके हैं ये भतरोड़ है और यहाँ पर राधा भतरोड़ बिहारी जी का दर्शन है आइए राधा भत्रोड बिहारी जी क्या कहते हैं हमारे गोविंद टीवी वी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उनका आज का क्या है हरे राम हरे राम 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 हरे हरे तो बहुत ही सुंदर प्रकार से यहाँ के जो महाराज जी है श्याम श्याम प्रभु उन्होंने हमें समझाया कि किस प्रकार से यहाँ इस स्थान का महत्व भागवतम में लिखा गया है जैसे कि भागवतम के दसम स्कंद के तेईसवें अध्याय के बावनवें श्लोक से यह कथा शुरू होती है जिसमें यह उल्लेख है कि भगवान किस प्रकार से इस स्थान पर ये स्थान जो है भक्तों ये अशोक वन है ये अशोक वन है इस अशोक वन में भगवान अपनी गोचार गोचारण लीला करने आते थे और अपनी गाय गोपाल ये सबके साथ आते थे और गाय गोपाल सबके साथ आते थे और भगवान को भगवान ने तो अनेकों असुर का वध किया था पर गोप बालों ने उन्हें क्या कहा भगवान को कि ये जो भूखासुर है उसका अंत कैसे हो तो इसी स्थान पर जो ब्राह्मण पत्नियाँ थीं ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को भात दिया था और भात दिया और भगवान ने अकेले तो नहीं अपितु अपने साथ जितने भी ग्वाल बाल थे इन सब के साथ मिलके भात खाया विशेषकर जो कथा है हम आज कथा के माध्यम से हिज ग्रह लाल प्रभु जी के मुखारविन से सुनेंगे कि क्या यहाँ का एग्जैक्ट महत्व क्या है हम तो अपनी टूटी फूटी भाषा में बोलते हैं पर विशेष जो यहाँ के जो रस है जो भाव है वो हमें प्रभु जी से प्रदान होंगे भागवत में बहुत सुंदर एक कथा आती है एक बार ये उस दिन की बात है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों के चीर को चुराए थे वैसे भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ रोज गाय बछड़े चराने के लिए घर से सुबह निकलते हैं ध्यान से सुनिएगा तो जब सुबह घर से निकलते हैं कृष्ण और गोप सखा तो वे अपने घर पर कले करके निकलते हैं कले माने बाल भोग माने ब्रेकफास्ट सुबह जो हम जग कर करते ना ब्रेकफास्ट उसे कलेव कहते हैं so, सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं और दोपहर का लंच जो है वो डिब्बा अपने साथ लेकर जाते हैं लेकिन आज क्या हुआ आज कृष्ण और सखाओं ने अपने घर पर ब्रेकफास्ट नहीं किया बिना ब्रेकफास्ट किए बिना कलेव किए ही कृष्ण और सखा अपने घर से निकल गए कारण तब आचार्यों ने दिया क्योंकि कारण यह था कि एक महीने तक गोपियों ने कात्यायनी देवी की उपासना की थी और वे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में जाकर स्नान कर रही थी सो गोपियों के चीर को चुराना था इसलिए कृष्ण सखाओं के साथ बिना ब्रेकफास्ट किए और लंच का डिब्बा साथ में लिए घर से निकल गए गाय बछड़े चराने के लिए गोपियों के साथ वहां लीला किए लगभग दोपहर का समय हुआ और चलते हुए ब्रज वृंदावन ये बतरो गांव में आए अब क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण ने सुबह से कुछ नहीं खाया है ध्यान से सुनिएगा कृष्ण ने सुबह से कुछ नहीं खाया है बलराम जी ने कुछ नहीं खाया है तो कृष्ण के सखाओ के मन में हुआ कि हमारे प्राण प्रिय कृष्ण ने कुछ नहीं खाया उनके लिए कुछ भोजन होना चाहिए तब सखाओ ने ऐसा नहीं कहा कि कृष्ण तुम कुछ खा लो या तुम्हारे लिए हम कुछ भोजन लेकर आए नहीं यहां प्रेम की पराकाष्ठा कृष्ण के सखाओं ने कहा कि कृष्ण हमें भूख लगी है देखिए प्रेम ऐसे चलता है प्रेम का ये सिद्धांत है जो प्रेम करता है वो अपने प्रेमी को जताता नहीं है कि मैं तेरे लिए इतना करता हूं मैं तेरे लिए इतना करती हूं मैं बस तुम्हारे लिए ही जीता हूं तुम्हारे लिए नहीं सखाओं के मन में यह था कि कृष्ण बलराम भोजन करे लेकिन सखाओं ने क्या कहा हमें भूख लगी है कृष्ण हमें कुछ चाहिए और कृष्ण हमारे लिए जुटाएंगे तो स्वयं खाएंगे कृष्ण का पेट भरेगा हम प्रसन्न होंगे सो कृष्ण हमें भूख लगी है कृष्ण आपने अघासुर बकासुर को तो मारा लेकिन ये जितने भी असुर हैं कृष्ण ये सब असुर बाहर से आए लेकिन एक असुर कृष्ण हमारे पेट में प्रकट हुआ है बोले वो कौन सा असुर बोले भूखासुर है, है अन्य असुरों को तो मार देते हैं ना तो वो चले जाते हैं फिर बाद में वापस कभी नहीं आते हैं लेकिन ये भूखासुर हर चार घंटे में आकर बैठ जाता है, है? इस भूख को आप कितना भी मारो कितना भी खिलाओ चौथे घंटे आ जाती है हर चार घंटे ये असुर प्रकट होता है तो कृष्ण बहुत बड़ा भूखासुर अंदर से दौड़ रहा है, है अंदर से भूख लगी है तो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो तब भगवान कृष्ण ने सखाओं ने कहा भागवत में दशम स्कंद के तेईसवे अध्याय में वर्णन है गोपह उचुहु सखाओं ने कहा राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबरहण वे बाधते शुत तत कर तु असी ये ये भूख हमें बहुत बाधित कर रही है कृपया करके आप हमारी भूख के लिए कुछ करो कृष्ण ने प्लान दिया कि हे सखाओ यहाँ से थोड़े दूर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और ब्राह्मणों को यज्ञ में यज्ञ देवता के लिए बहुत कुछ भोजन सामग्री बनाकर रखी है ब्राह्मणों की पत्नी ने तो एक काम करो तुम ब्राह्मणों को के पास जाओ और ब्राह्मणों को कहो कि हमें भूख लगी हमें भोजन दो और याद रहे मेरा नाम मत लेना शायद मेरा नाम लोगे तो ये ब्राह्मण भोजन नहीं देंगे क्योंकि मैं एक व्यापारी का बेटा हूं एक वैश्य का बेटा हूं तुम एक काम करो बलराम जी का नाम लेना क्योंकि बलराम के विषय में पूरा ब्रज जानता है कि ये क्षत्रिय का बेटा है ये वसुदेव का रोहिणी का बेटा है तो वहां ब्राह्मणों के पास जाकर निवेदन करना कि बलराम को भूख लगी है कृष्ण को भूख लगी कुछ भोजन दे दो सखाओं को जैसे कहा गया कृष्ण के द्वारा वैसा ही सखा गए ब्राह्मणों के पास ब्राह्मण वेदों के मंत्र पढ़ रहे थे यज्ञ में आहुति दे रहे थे ओम स्वाहा 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 कर रहे थे बिल्कुल कॉलर चढ़ाकर बिल्कुल टाइट बैठकर और ये बच्चे गए बेचारे स्वाभाविक भगवान ने भेजे थे कि हे ब्राह्मण देवता ब्राह्मण दो तीन तो गए भागो यहाँ से हमको मंत्र बोलने दो तो ठीक से माला जप नहीं करने देते हो फूल जैसे बच्चों को दाट दिया फिर ब्राह्मणों ने क, जब बच्चों ने कहा कि बलराम और कृष्ण को बड़ी भूख लगी है उनके लिए थोड़ा सा भोजन दे दो ब्राह्मण कुछ नहीं बोले ये दो तीन बार उनको कहे कि कुछ भोजन दे दो भोजन ब्राह्मण का भागो यहां से कुछ नहीं मिलने वाला देखते नहीं हम यज्ञ कर रहे हैं और जब तक यज्ञ पूरा ना हो जाए न खाएंगे न खाने देंगे कुछ लोग होते हैं लकीर के फकीर शिल प्रभुपाध्य ने इसे कहा नियमाग्रह नियम होना चाहिए नियम बहुत अच्छी बात है लेकिन नियमों का आग्रह रखकर किसी वैष्णव का अपराध ये बहुत बड़ी गलती है नियम नियम व्यवस्था के लिए होना चाहिए सेवा के लिए होना चाहिए लोगों के प्रेम के लिए होना चाहिए लेकिन ऐसे नियम जो लोगों के प्रेम प्रेम में दरार पैदा कर दे अपराध करवा दे उसे नियम आग्रह कहते हैं कुछ लोग हैं ऐसे नियमाग्रही है, ब्राह्मणों की तरह अब 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 देखिए ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ की आहुति देवता को दे रहे हैं देवता यज्ञ की आहुति अल्टीमेटली तो कृष्ण को देंगे ना भगवत गीता में क्या कहा भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम मैं सभी यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं हूं तो अल्टीमेटली कृष्ण को ही देना अब सीधा कृष्ण मांग रहा है तो ये ब्राह्मण दे नहीं रहे हैं नियमाग्रह बच्चों ने विचारों ने बड़ा मेहनत बड़ी आज जी निवेदन विनंती की लेकिन ब्राह्मण नहीं माने बच्चे निराश होकर वापस आ गए बच्चों ने कहा कृष्ण एक तो भूख लगी थी ऊपर से गाली खिलवाई कृष्ण ने कहा खाने का कुछ मिला बोले खाना नहीं मिला लेकिन गाली मिली बड़ी बड़ी गाली वो ब्राह्मणों ने हमको दी कृष्ण ऐसा काम हमसे मत करवाओ कृष्ण ने कहा अच्छा हमारा नाम लेकर भी भोजन नहीं मिला बोले नहीं कृष्ण का एक काम करो इन ब्राह्मणों की पत्नी घर पर है उनके पास जाकर ट्राई करो बच्चों ने कहा कृष्ण छोड़ो कुछ और बोले नहीं मैं कहता हूं ना इस ब्राह्मणों की पत्नी भक्ति भावना वाली है उनके पास जाओ और ट्राई करो ये सारे बच्चे ब्राह्मणों की पत्नी के पास गए और ब्राह्मणों की पत्नी को निवेदन किया केवल इतना ही कहना था श्रीमद भागवत जी में लिखा है कि श्रुतवा अच्छुत आप की पत्नियां प्रतिदिन अच्युत भगवान कृष्ण की कथा सुनती और कथा सुनने के कारण कृष्ण की सेवा और कृष्ण का दर्शन करने की तीव्र लालसा तीव्र इच्छा हो चुकी थी और इन गोप सखाओं ने कहा कि कृष्ण नजदीक निकट आए हैं और कृष्ण बलराम को भूख लगी है ब्राह्मण की पत्नियां ब्राह्मण घर से मुंह फुलाकर गए थे आज यज्ञ है आज पूड़ी पकवान और भात राइस महाभा महा महाप्रसाद महा ये सब कुछ तैयार रखना यज्ञ के लिए तो ब्राह्मणों की पत्नी ने बेचारे ने सब तैयार रखा था अब ये था यज्ञ के लिए ब्राह्मणों को देने के लिए लेकिन यहाँ कृष्ण को भूख लगी है अब नया भोजन बनाने जाए तो नया भोजन बनाने में देरी हो जाए और श्याम सुंदर को कष्ट हो जाए इसलिए अपने पतियों के लिए यज्ञ के लिए जो भोजन बनाया था उसी भोजन को लेकर ब्राह्मण की पत्नियां दौड़ने लगी श्रुत्वा अच्युतम आयांतम अच्युत हमारे निकट आए हैं कृष्ण हमारे निकट आया है यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नियां हाथ में भात लेकर दौड़ने लगी हाथों में भात लेकर दौड़ी इसलिए इस स्थान का नाम हुआ भतरोड भात हाथ में लेकर दौड़ी थी इसलिए इस स्थान का गांव का नाम ही हो गया भत रोड और दौड़कर कृष्ण के पास गई लाला भूख लगी है बैठो लाला और जो भी वस्तु थी ब्राह्मण की पत्नियों ने अपने हाथों से कृष्ण को बलराम जी को कृष्ण के सखाओं को पेट भरकर भोजन कराया घंटों भर तक भोजन किया और भोजन के बाद कृष्ण बलराम आदि ने धन्यवाद किया और कहा कि माता आपका बहुत बहुत आभार अब आप वापस चली जाइए ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान के चरणों में गिर कर कहती हैं कृष्ण अब आप हमें वापस जाने के लिए मत कहिए क्योंकि हमने हमारे पतियों से मुंह मोड़ लिया है और यदि हम चली भी गई तो हमारे पति हमें श्राप दे देंगे जैसे गौतम ने अहल्या को दिया क्योंकि भोजन हमने उनके लिए उनके यज्ञ के लिए बनाया था और वही भोजन हमने आपको दे दिया वे हमको श्राप देकर मार देंगे हमें वापस जाने के लिए मत कहिए तब कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो आपने मेरा भजन किया है आपने मेरा दर्शन किया है आपने मुझे भोजन खिलाया है एक बार मेरे कहने पर आप वापस चली जाओ और चमत्कार देखो कृष्ण के कहने पर ये ब्राह्मणों की पत्नियां वापस लौटी और वापस जब अपने घर पर गई ब्राह्मणों के हृदय परिवर्तन हो गए यूं तो हमारे सनातन वैदिक इतिहास में कोई पुरुष अपनी पत्नी या स्त्री को प्रणाम नहीं करता लेकिन आज ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को प्रणाम किया कि धन्य हो आप धन्य हो हम तो लकीर के फकीर रह गए हम तो नियमाग्रही रह गए और नियमों में इतने आग्रही बन गए कि ईश्वर सेवा चुक गए ईश्वर कृपा करुणा चूक गए लेकिन आप धन्य हो कि स्त्री होकर आपने कृष्ण के प्रेम को कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर लिया ब्राह्मणों ने पत्नियों को प्रणाम किया और उनको कृतार्थ कर दिया तो बहुत सुंदर ये स्थान अशोक वन है और इस अशोक वन में ये सुंदर ब्राह्मणों का आश्रम ब्राह्मणों का घर और यहाँ पर भगवान की ये लीला हुई थी कृष्ण ने यह यज्ञ पत्नी ब्राह्मणों की पत्नियों के ऊपर कृपा की थी भागवत में बड़े विस्तार से ये कथा पाई जाती और यहाँ बतरोड़ बिहारी भगवान है ये भगवान भूखे हैं भूखे जानते ना ये बहुत खाते हैं यहाँ के भगवान यहाँ के भगवान आज भी मंदिर से निकलकर किसी गांव में चले जाते हैं किसी की कुटिया में चले जाते हैं और खा पी कर वापस लौटते हैं तो आइए हमारे साथ एक महाराज जी जुड़ चुके हैं वे यहाँ के व्रजवासी ही हमें एक बहुत सुंदर लीला सुनाएंगे हम उनके श्रीमुख से लीला सुनते हैं हा? हरे कृष्णा तो हम जिस स्थान पर खड़े हैं इस स्थान का नाम है भतरोड़ भतरोड़ बिहारी जी का यहाँ बहुत ही सुंदर मंदिर है और मैं आनंद शक्तिदास गोविंद टीवी के माध्यम से आपको इस भतरोड़ की जो महिमा हमारे साथ जो है आज श्यामदास प्रभु तो जी तो श्यामदास महाराज जी यहाँ पे है जो यहाँ पे पूरे मंदिर का संचालक करते हैं सेवा पूजा करते हैं तो हम उनसे जानेंगे यहाँ की महिमा हरे कृष्णा भत्रोड़ बिहारी महाराज की जय यहाँ पर इस स्थान पर ठाकुर जी ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है ना यज्ञ पत्नी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ में गाय चराते हुए इसी जगह पर रहे भूख लगी भूख लगी तो ग्वालों ने कहा कन्हैया तूने अकासुर बकासुर तो मार दे और इस भूखासुर को कौन मारेगा <laughs> तो भूखासुर को कौन मारेगा तो बोले भूखासुर मरता नहीं है जाकर के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनसे प्रसाद की याचना करो जब ग्वाल वाले वहाँ पर गए याचना की उन्होंने तो समझाए अहिर के बालक हैं इनको भोग लगाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा नहीं इनको भोग कहाँ दे, दे दे तो फिर वो वापस आ गए वापस उनको बोला कि अभी हमारा हवन हुआ नहीं भोग लगा नहीं तेरे को कैसे प्रसाद मिल जाएगा वापस आकर के ठाकुर जी से वापस बोले कि आपने हमको ऐसी जगह बोला कि उल्टा सीधा और बात बोल करके हमको वापस कर दिए तो बोले अच्छा ये बताओ आपको घर में भोजन देता कौन है तो माताएं देती हैं तो बोले माताओं से क्यों नहीं बोला लेकिन जब वापस आने पर जब वहाँ पर माताओं को पता चला उनकी पत्नियों को पता चला जो ब्राह्मण थे यज्ञ करते हुए उनकी पत्नियों को पता चला तो वो पतियों की बात ना मान करके वापस ठाकुर जी को इसी जगह पर प्रसाद पवाई आ करके प्रसाद पवाई लेकिन जब वापस जाना हुआ उनको यहाँ से तो बोले मैं पतियों की बात तो मानी नहीं वापस हमको नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या हो? करेंगे हम बोले अब आप जाओ जा करके बोले जब वहाँ पहुँचोगे ना तो आपका आदर करेंगे वापस जब वो गई तो साष्टांग ब्राह्मणों ने प्रणाम किया अपनी पत्नियों को शाष्टांग प्रणाम किया कि मैं वेद पढ़ने के बाद में भी परमात्मा को नहीं पहचान सका ऐसा भाव अंदर में नहीं आया आप घर में बैठ कर के भी उनको समझी तो कम से कम ये भाव तो आया अंदर और ऐसे ही ठाकुर जी की महिमा का गान करते हुए फिर उनको घर में बहुत मान सम्मान मिला और स्थान के बारे में तो बहुत कथाएं हैं यहाँ लगभग पचास साल पहले कोई भक्तमाली जी थे ज्ञान गुजड़ी में रहते थे उनके हाथ से ठाकुर जी ने प्रसाद यहाँ से जा कर के लड्डू पा करके आए ज्ञान गुदड़ी में है लड्डू पा करके आए वापस उनको भाव हुआ कि ये भत्रोड़ मंदिर तो जंगल में है जंगल में इतना छोटा बालक कैसे रहता है अपना नाम बताया गोपाल राज बिहारी के स्वरूप में थे जो लीलाएं होती ना उसमें राज बिहारी के स्वरूप फिर उनको भाव आया तो उस समय लालटेन चलती थी लाइट नहीं थी लालटेन ले करके वो अक्रूर गाँव होते हुए वापस यहाँ आए तब तो यहाँ जंगल जंगल था तो जंगल में यहाँ कोई पुजारी था एक ऊपर में जब वो वापस वृद्ध थे भक्त माली जी महाराज जगन्नाथ प्रसाद माली जी नाम था वो ऊपर जब आए तो पूछे एक पुजारी कोई था उससे पूछे कि अभी वहाँ पर क्या कोई गोपाल नाम का बालक रहता है बोले महाराज गोपाल नाम का बालक रहता है वहाँ तो बोले यहाँ कोई गोपाल नहीं एक ही गोपाल है मंदिर के अंदर में तब उनको हुआ कि देखो ठाकुर जी कैसे किस जीव पर कृपा करके चले आएंगे पता नहीं फिर वो मूर्छित हो गया जब तक वो रहे जीवन पर्यंत जब तक उनका शरीर रहा तब तक उनको लड्डू का भोग उनकी तरफ से लगता रहा तो ये ठाकुर जी की महिमा तो अनंत है और यही इससे आगे आप अक्रूर मंदिर जाएंगे ना तो भी यही लीलाएं <laughs> सब ये गोचारण करते हुए ही तो हैं वो तो आपको पता ही है कि जब मथुरा से आते समय मथुरा जब आए थे वापस वहाँ से गोकुल से तो वो लीला हुई जो अक्रूर मंदिर में भत्रोह बिहारी में तो भागवत के दशम स्कंद में इसका लेख भी है भागवत के दशम स्कंद में तेईसवें अध्याय में इसका वर्णन है तो ये तो भागवत का विदित स्थान है और इसकी महिमा के लिए तो क्या हम बोलेंगे भत्रोह बिहारी महाराज की जय श्री ब्रजमंडल यात्रा महामहोत्सव की चौरासी कोष ब्रजमंडल परिक्रमा की ब्रजमंडल परिक्रमा यात्रा की श्रिश्री राधा श्याम सुंदर भगवान की कृष्ण बलराम की शशि गौर निताय की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे